गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ओके, तो हम अभी जीएसटी के लास्ट टॉपिक पे है, क्लास एंडिंग पे है. मैं मानता हूँ कि इस बार क्लास जो है, मैंने आपको 42 सेशंस के आसपास कहा था, 40 to 42 सेशंस, लेकिन दो सेशंस एक्स्ट्रा हुए हैं, अराउंड 44 सेशंस जो हो गए. तो अमेंडमेंट्स के वजह से और क्लास में हमारा डिस्कशंस और डाउट्स की वजह से इतना टाइम लगा है. और यहाँ पे हाँ, वी आर इन द टॉपिक ऑफ क्या, डिमांड और रिकवरी. तो कल हमने सेक्शन 73 स्टार्ट किया था. सेक्शन 73 में बताइए क्या, सेक्शन 73 में क्या था? नहीं, आपको याद नहीं होगा. नहीं नहीं, बिल्कुल दिक्कत, बिल्कुल तकलीफ मत लो, मैं बताता हूँ. बिल्कुल मत लो तकलीफ. हाँ, मैं बताता हूँ. ओके, क्यों दिमाग को ज़्यादा जोर देना, जिंदगी एक ही बार मिलती है ना. हाँ, तो ज़्यादा जोर नहीं देना दिमाग को. तो हाँ, तो सेक्शन 73 में हमने देखा था शो कॉज नोटिस. अगर तुमने शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट और इरोनियस रिफंड, ओके, तो शॉर्ट पेमेंट, नॉट पेमेंट या इरोनियस रिफंड या फिर ITC अवेल भी गलत, ITC अवेल किया या यूटिलाइज किया, दोनों केस लग सकती है, अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन. हाँ, पर फॉर रीजन अदर देन फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट या अदर देन सेपरेशन, मतलब आपके तरफ से कोई मिसस्टेटमेंट नहीं था, आपके तरफ से कोई सेपरेशन नहीं था या कोई फ्रॉड नहीं था, लेकिन हाँ शॉर्ट पेमेंट हुए, तो आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस आएगी. ठीक है, शो कॉज नोटिस जो डिमांड ऑर्डर का टाइम पीरियड दिया है 3 साल फ्रॉम एनुअल रिटर्न, उसके एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर. अब एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर मतलब मैक्सिमम आपने एनुअल रिटर्न के 2 साल 9 महीना, ओके, वहाँ तक क्या दे देना चाहिए बेटा, शो कॉज नोटिस. उसके पहले कभी भी दे सकते हो, पर 2 साल 9 महीने तक आपने शो कॉज नोटिस दे सकते हो, और मैक्सिमम 3 साल में आप कभी भी ऑर्डर फाइनल कर सकते हो. ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग टू शो कॉज नोटिस. उसके बाद में बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए तो कभी कभी सेम ग्राउंड पे कोई भी टैक्स पीरियड का फिर से नोटिस आपके अगेंस्ट में देना है, तो फिर वो सिचुएशन में नोटिस न देते हुए ओके, सिर्फ स्टेटमेंट भी दिया तो उसे भी शो कॉज नोटिस मान लिया जाएगा. बहुत अच्छी बात है. उसके बाद में नेक्स्ट बेटा यहाँ पे वॉलंटरी पेमेंट. भाई मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हारे आप नोटिस को रोक दो. अगर आपको कभी कभी होता है ऑडिट में पता चल गया, अभी ऑडिट हो ही रहे हैं, GST ऑडिट हो रहे हैं, एनुअल रिटर्न के पहले हो रहे हैं, और तुमको पता चल गया कि कोई शॉर्ट पेमेंट हो गए या गलती से क्रेडिट ले लिए गए, ओके, तो ऐसा कुछ हो गया ऑडिट के पहले, तो वो सिचुएशन में आप, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पे वॉलेंट्रीली, मे बी बाय योर सेल्फ और ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑफिसर, एंड इन्फॉर्म टू द ऑफिसर कि भाई मैंने वॉलेंट्री पेमेंट कर दिया. 73 की केस होगी, मतलब अदर देन फ्रॉड की केस होगी, तो फ़ायदा क्या, सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि सिर्फ इंटरेस्ट देके अपने आप को सभी प्रोसीडिंग से फ्री कर दो, मतलब आपके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी, ना पेनल्टी की ना ही होगी. अच्छी बात है. ओके, ठीक है, वॉलेंट्री पेमेंट नहीं भी किया तो डरो मत, जब शो कॉज नोटिस आएगी, अगर नोटिस आई गई आपके अगेंस्ट में और प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई, तो वहां से 30 डेज में पेमेंट कर दो. तो नोटिस के 30 डेज में भी पेमेंट कर दिया तो भी आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा, पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा, ओनली आपके अगेंस्ट में क्या बेटा, हाँ, टैक्स एंड इंटरेस्ट. अगर केस 73 का होगा तो, मैं 74 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, 73 की, केस 73 का होगा तो. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, लेकिन आपने नोटिस आने के बाद भी आप कॉन्फिडेंट थे, आपने नहीं दिया पेमेंट 30 दिन में, तो फिर ऑर्डर आई आपके अगेंस्ट में. चलो ऑर्डर आ गया तो फिर आपकी पेनल्टी फिक्स है, और कितनी पेनल्टी फिक्स है बेटा, 10% ऑफ टैक्स, 10% ऑफ टैक्स, हाँ, या 10,000 विच एवर इज हायर, इतनी पेनल्टी आपकी फिक्स होगी और वो आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये था रहेगा, यहाँ तक हमने 73 कल कंप्लीट किया था. ठीक है, नाउ नेक्स्ट
एक ये इम्पोर्टेंट ये एक प्रोविजो है और वो क्या कहती है देखो, नॉट विस्टैंडिंग टू, यहाँ पे मैं ये लूँगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर मॉक टेस्ट पेपर पे भी क्वेश्चन था. ओके, नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन सिक्स. Not withstanding to anything contained in subsection. Anything contained in subsection 6 and subsection 8. Penalty under subsection 9. मतलब ये जो penalty है under subsection 9 shall be payable where any amount of self-assessed tax, underline, self-assessed tax or MA amount collected as a tax has not been paid within 30 days from the due date of payment of such tax. Due date of payment of such tax. अब सुनो, ये क्या कह रहे हैं? पहली बात तो ये जो subsection 6 है, 73-6 और 76-8, स्क्रीन कट होता है ये हे बग हे फुल्स व्यू एंड तेजत कट होता है. ठीक है, अब बेटा 73-6 क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ. 73-6 है वॉलेंट्री पेमेंट. ओके, आपने वॉलेंट्री पेमेंट किया. अगर आप यहाँ देखते हो तो ऊपर अगर आप आओगे तो 73-5, 73-6, ओके, और 73-7, 73-7, ओके, यहाँ पे तो 73-6 लिख दो, वॉलेंट्री पेमेंट. वॉलेंट्री पेमेंट वॉलेंट्री पेमेंट और 73-8 लिख दो, यहाँ रेफरेंस आया आएगा. देख 73-8 क्या है, पेमेंट आफ्टर, सॉरी, पेमेंट विद इन 30 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस, विद इन 30 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस. 73-6 वॉलेंट्री पेमेंट, 73-8 पेमेंट within 30 days of show cause notice, within 30 days of show cause notice. अब बेटा ये जो है यहाँ पे, अब ये provision क्या कहती है देखो, notwithstanding to anything contained in subsection 6 or subsection 8, penalty under subsection 9 shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as a tax has not been paid within a period of 30 days from the due date of payment of tax. मतलब अगर आपने, अब टैक्स जो शॉर्ट पेमेंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, शॉर्ट पेमेंट होता है या नॉन पेमेंट होता है, ये दो रीजन के वजह से होता है. ओके, एक पहला रीजन, ओके, आपने मतलब रजिस्टर्ड पर्सन, या बेटर वे जो वर्ड आएगा, टैक्स पेयर, टैक्स पेयर हैज सेल्फ असेस द टैक्स, सेल्फ असेस द टैक्स इन GSTR 1 और 2 और 3. ओके, GSTR 3 मतलब टैक्स असेस किया लेकिन पे नहीं किया. सेल्फ असेस द टैक्स बट नॉट पेड, बट नॉट पेड, अभी लिखना मत कुछ, पहले देख लो. उसने सेल्फ असेस किया पर पे नहीं किया. और दूसरा, दूसरा, नो टैक्स, सॉरी एक मिनट, शॉर्ट पेमेंट या नॉन पेमेंट इज नॉट सेल्फ असेस, is not self-assess
असेस बट डिस्कवर्ड बाय डिपार्टमेंट इन स्क्रूटिनी इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट, दोनों में फर्क समझाओ। ध्यान नहीं आपका। मुझे बताओ, पहले इस शॉर्ट पेमेंट दो रीजन के हो सकते, बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? पहले इसमें आपने GST R1 में डिक्लेयर किया लेकिन ड्यू डेट को पे नहीं किया, पैसा नहीं था ड्यू डेट को पे नहीं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि उनका TOS आ जाता है इनवॉइस पे TOS आया, पर अभी तक पैसा नहीं आया कस्टमर से, और उनके जेब में पैसा नहीं है, ड्यू डेट को नहीं पे करते, अब कहां से लाए पैसा? क्योंकि उनका टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस, कस्टमर को बड़ा इनवॉइस दिया, अभी तक सामने वाले ने उनको पेमेंट किया ही नहीं, ये ड्यू डेट को फेल हो जाते हैं पेमेंट करने में। दूसरे इसमें क्या बेटा? फिर आपने ध्यान नहीं दिया। दूसरे में शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट, अगर आपको याद होगा तो शॉर्ट पेमेंट एंड नॉन पेमेंट। ओके, आपने भी असेस नहीं किया, डिपार्टमेंट ने डिस्कवर किया, और हो सकता है अदर देन फ्रॉड हो, यह हो सकता है अदर देन फ्रॉड, मतलब आपका इंटरप्रिटेशन था कि सर्विस नॉन टैक्सेबल। जैसे एक रियल केस लेता हूं, Para 4 Schedule 2, अ पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन। अगर आपको याद होगा तो आपने जिस दिन डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, उस दिन जो भी आपकी असेट रहेगी वो डीम सप्लाई माना जाएगा। अब आपका इंटरप्रिटेशन क्या है कि भाई अब आपने कोई, आप फ्रॉड नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका इंटरप्रिटेशन है कि शेड्यूल टू के पास पावर ही नहीं है तो मैं टैक्स देने वाला नहीं हूं, ये गलत ड्राफ्टिंग है। ऑफिसर स्ट्रिक्टली वो ड्राफ्टिंग फॉलो कर रहा है, ऑफिसर कह रहा है कि नहीं शॉर्ट पेमेंट कर दिया है, नॉट पेमेंट आपने कर दिया, आप झगड़ रहे हो उसके साथ कि अरे भाई शेड्यूल टू की पावर नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो कह रहा है मुझे नहीं पता, लिखा है ना शेड्यूल टू में हम डीम टू बी सप्लाई मानेंगे। वो 74 की केस नहीं लगा रहा है आपके केस में, क्यों? क्योंकि आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हो, वो इंटरप्रिटेशन मैटर है। नहीं समझा आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कुछ डिक्लेयर नहीं कर रहे, वो इंटरप्रिटेशन मैटर है। पर वो नॉन पेमेंट, अब वो देखो कोर्ट में क्या होगा देखा जाएगा, आगे कोर्ट किसके फेवर में डिसीजन देता है देखा जाएगा, पर ऑफिसर Para 4 का क्लॉज सी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, और ऑफिसर कह रहा है कि नहीं 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 मैं तो इसको भाई टैक्स लगा होगा, शॉर्ट पेमेंट का केस लगा रहा हो, 73 का लगा होगा, पर लगा होगा। तो दैट शॉर्ट पेमेंट या नॉट पेमेंट डिस्कवर्ड बाय ऑफिसर, या कोई भी वैल्यूएशन का केस ले लो, कंपोजिशन का केस ले लो, रेट का केस ले लो, आप दोनों में झगड़े चालू है, वो कह रहा है 18%, आप कह रहे हो 12%। या फिर एग्जाम्पल लो पेन ड्राइव क्लासेस में मैं कह रहा हूं 12%, ऑफिसर कह रहा है 18%। मैंने कई फ्रॉड नहीं किए, पूरे रिकॉर्ड में है, ऑनलाइन पेमेंट है, सब कुछ रिकॉर्ड में एंट्री है, जब जब मेरे को ऑफिसर ने बुलाया मैंने सब डेटा दिया, बात इंटरप्रिटेशन की चालू है। मैं 12% में ले रहा हूं, वो 18% में ले रहा है और शॉर्ट पेमेंट निकाल रहा है। मेरी बात समझे क्या? शॉर्ट पेमेंट निकाल रहा है। तो ऐसे केस में मैंने सेल्फ असेस तो 12 से ही किया, पर वो शॉर्ट पेमेंट निकाल रहा है। दो केस है, दोनों केस में 73 की एक्शन होगी कि अब कल जैसे यहां पे आके बात निकली थी, आपने क्वेश्चन पूछा था कि भाई सर क्वेश्चन ये था कि सर ड्यू डेट को पे नहीं हुआ पर बाद में पे हो गया, ड्यू डेट के, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, ड्यू डेट के बाद पे हुआ, तो सर वो तो एनुअल रिटर्न के पहले पे हो गया इसलिए नोटिस आएगी नहीं, क्योंकि नोटिस तो एनुअल रिटर्न के बाद आएगी। हाँ, अगर वो पेमेंट पेंडिंग रहा, कब तक पेंडिंग रहा? एनुअल रिटर्न तक, तो फिर 73 की नोटिस निकलेगी। जी समझ में आया क्या? 73 की नोटिस निकलेगी, तब तक 73 की नोटिस नहीं निकलेगी, उसमें भी तुमने वॉलंटरी पेमेंट कर दिया या नोटिस के 30 डेज में पेमेंट कर दिया तो 73 की नोटिस नहीं निकलेगी, अगर केस अदर देन फ्रॉड का होगा तो। मेरी बात समझ रहे हो क्या? हाँ ठीक है, वो सेल्फ असेस्ड है, पर गवर्नमेंट ने ये जो यहां पे क्लॉज डाल दिया ना बेटा, बहुत डेंजरस क्लॉज डाल दिया उन्होंने, ये कहा कि
नॉट स्टैंडिंग टू सबसेक्शन 6 and 8, तुमने वॉलंटरी पेमेंट किया हो ड्यू डेट में, समझ लो एक सवाल है कि ड्यू डेट निकल गई, तुमने टैक्स सेल्फ असेस किया था, सुनो मेरी बात, तुमने टैक्स सेल्फ असेस किया था और हो सकता है कि तुमने ड्यू डेट को नहीं दिया पर बाद में दिया हो, बाद में दिया हो, लेकिन ड्यू डेट की अगर 30 दिन में नहीं दिया तुमने टैक्स सेल्फ असेस किया हुआ, फिर ये सेक्शन में नोटिस आए या ना आए, तुम 30 दिन के बाद वॉलेंट्री पे करो या ना करो, या नोटिस की 30 दिन में पे करो या ना करो, नॉट स्टैंडिंग टू सबसेक्शन 6 and 8, जिस दिन ड्यू डेट थी उसके 30 दिन में, सुनना मेरी बात, जिस दिन ड्यू डेट थी उसके 30 दिन में आपके पेमेंट नहीं आए, फिर बाद में आपने एनुअल रिटर्न के पहले दे दिए वॉलंटरीली या नोटिस के 30 दिन में दे दिए, वो नहीं पता, जो सेल्फ असेस टैक्स था, कम ऑन यार सुनो मेरी बात, जो सेल्फ असेस टैक्स था वो नहीं दिया ना, तो 30 दिन के बाद आपको ये जो 10% ऑफ टैक्स और रुपीज क्या बेटा 10,000 विच एवर इज हायर, ये पेनल्टी तो लगेगी लगेगी। मतलब यहां पे कल जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो ड्यू डेट को अगर आपने पेमेंट नहीं किए तो 30 दिन तक आपकी गवर्नमेंट राह देखेंगी, और 30 दिन के बाद किए, क्यों ना वॉलंटरी किए हो ड्यू डेट के बाद, तभी आपको, क्यों ना एनुअल रिटर्न के पहले किए हो, तभी गवर्नमेंट आपको ये फिक्स पेनल्टी लगाएगी, और वो कितनी फिक्स पेनल्टी लगाएगी बेटा 10% ऑफ, पर ये सेल्फ असेस टैक्स क्यों लगाएगी सर? अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट ढूंढा और स्क्रूटिनी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, ऑडिट हुआ, और कोई शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट ऐसा ढूंढा जो मैंने सेल्फ असेस नहीं किया था, गवर्नमेंट ने डिफरेंस निकाला, और वो केस अदर देन फ्रॉड की है, वो केस अदर देन फ्रॉड की है, तो फिर मुझे उसको उसको चांस मिल जाएगा। मतलब वो अगर मैंने ऑडिट होती वॉलंटरी दे दिया, ऑडिट में मेरे को पता चल गया अरे यार गलती हो गई, अरे है ना, या एनुअल रिटर्न मैंने फाइल कर दिया तो बाद में बता, अरे यार शॉर्ट पेमेंट हुआ और अभी तक नोटिस नहीं आई है, चलो वॉलंटरी दे देते हैं, बेटर वॉलंटरी दे देते हैं, नोटिस के 30 दिन में दे देते हैं, तो वो केस में मुझे पेनल्टी नहीं लगेगी। यानी गवर्नमेंट एक बात आपसे करना चाहती है, तुमने खुद ही सेल्फ असेस करके दिया और ड्यू डेट के 30 दिन में नहीं दिया, तो नहीं तो लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे पता है क्या, सेल्फ असेस कर देंगे, जा नहीं देता क्यों करना है कर ले, और जिस दिन नोटिस देगा उसके 30 दिन में दे देंगे, चल नहीं समझा आप मेरी बात, ओके मेरी बात, क्या करेंगे लोग सेल्फ असेस कर देंगे, जीएसटी R1 में बता देंगे, ड्यू डेट को नहीं देंगे, एनुअल रिटर्न तक पैसा यूज करेंगे, और एनुअल रिटर्न के बाद जब नोटिस आएगी तो उसके 30 दिन में दे देंगे, या कभी भी वॉलंटरी दे देंगे, इंटरेस्ट क्या 18% लगेगा, लगेगा, और पेनल्टी से बच जाएंगे। गवर्नमेंट बेवकूफ समझ के रखा है तुमने हमको, तुमने ही सेल्फ असेस किया, तुमने जीएसटी R1 में बताया, अरे है ना, ओके, और ड्यू डेट को पे नहीं किया, फिर हम कैसे छोड़ेंगे, फिर तो तुमको पेनल्टी देना पड़ेगा। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट पेपर में इसके एक काम करो, स्टूडेंट नोट में आप ऐसा छोटा सा चार्ट निकालो, ओके, शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट, within 30 days of due date, निकालो फटाफट,
हेलो, ठीक है, चलिए। तो क्या लिखोगे पहले केस में, अगर आपने टैक्स सेल प्रोसेस किया और 30 दिन में नहीं दिया तो? हाँ, ओके, लिखो फिक्स पेनल्टी, फिक्स पेनल्टी इक्वल्स टू 10% ऑफ टैक्स और 10,000, विच एवर इज हायर। और सेकेंड पार्ट में, इफ डिफरेंशियल डिफरेंशियल टैक्स इज पेड विद इन सॉरी इज पेड वॉलेंट्रीली, इज पेड वॉलेंट्रीली बिफोर SCN शो कॉज नोटिस और विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ SCN, देन नो पेनल्टी, देन नो पेनल्टी। देन अब देखो यहां पे, ये नीचे क्वेश्चन दिया है। रिचमोंड हैज सेल्फ पर्सेस टैक्स लाइबिलिटी ऑफ IGST 80,000। ही फेल्स टू पे टैक्स विद इन 30 डेज ऑफ ड्यू डेट। खुद ही टैक्स असेस किया था 80,000, 30 दिन में पे नहीं किया ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स। डिटरमाइन इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पेएबल बाय हिम, एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ विथ रेफरेंस फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अवेलेबल फ्रॉम हिज रिकॉर्ड। डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स 18 दिसंबर 2017, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स 26 फरवरी 2018। नो शो कॉज नोटिस हैज बीन इश्यूड टू हिम सो फार व्हाइल ही इंटेंड टू डिस्चार्ज इज लाइबिलिटी इवन बिफोर इट इज इश्यूड टू हिम ऑन अजम्पशन दैट नो पेनल्टी इज लेवियबल ऑन हिम ऑन पेमेंट मेड बिफोर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस। मुझे पहले तो बताओ, ओके, क्या उसने सेल्फ प्रोसेस किया था टैक्स? ओके, और 30 दिन में नहीं दिया था तो डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स 20 दिसंबर की ड्यू डेट कब आएगी? 20 जनवरी, 20 जनवरी से 30 दिन, यानी कब होगा 20 जनवरी से 30 दिन? क्या होगा 19 फरवरी ना, और उसको पैसा कब मिला? 26 फरवरी, पैसा 26 को मिला, मतलब 30 दिन के बाद मिला ना, बराबर है ना? 30 दिन के बाद मिला, तो इवन दो उसने वॉलंटरीली पे किया होगा तभी उसके ऊपर क्या 10% ऑफ टैक्स कितना आ रहा है? 10% 8,000 और रुपीज क्या 10,000, विच एवर इज हायर, ये पे किया जाएगा। इज इट क्लियर? चलो प्रोविजन लिखो। लिखो एज पर सेक्शन 73 As per section 73, if any amount of self-assessed tax or any amount collected as a tax
or any amount collected as a tax is not paid voluntarily is not paid within a period of 30 days aisa dalna is not paid within a period of 30 days within a period of 30 days within a period of 30 days from the due date of payment of tax then fix penalty that is 10% of tax or rupees 10,000 or rupees 10,000 whichever is higher is payable irrespective of the fact that tax has been paid voluntarily before serving notice likho paragraph change in given case tax is pay due date of payment of tax is 20th January 2018 but it is actually paid after 30 days of due date 30 days of due date that is on 26th February 2018 hence interest and penalty is payable in following manner niche likho interest batao interest kab se lagega 21 january se na kitne days hote hain january ke 11 aur february ke 26 yani total 37 डेज ना तो लिखो इंटरेस्ट इक्वल्स टू 80,000 इनटू 18% इनटू 37 डेज डिवाइडेड बाय 365 कितना आ रहा है 1460 and second penalty equals to 10% of 80,000 or rupees 10,000 whichever is higher हाँ
क्या होगा बेटा? 10,000. चलो नेक्स्ट, 73 इज ओवर. 74 आ जाओ फटाफट. एग्जैक्टली वैसी प्रोविजन है, सिर्फ थोड़ा क्या चेंजेस होगा वो देख लो. इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस इन केस वेयर नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट और इरोनियस रिफंड, रॉन्ग अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ ITC इज ऑन अकाउंट ऑफ एनी फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सपरेशन ऑफ फैक्ट्स बाय अ पर्सन. एक मिनट, अंडरलाइन. ये ऑन अकाउंट ऑफ क्या बोला बेटा? फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सपरेशन ऑफ फैक्ट्स. ठीक है, तो मतलब ये फ्रॉड की केस है, ये क्लियर है. द पर्सन चार्जेबल टू टैक्स, प्रॉपर ऑफिसर शैल इश्यू नोटिस ऑन द पर्सन चार्जेबल विद सच टैक्स, रिक्वायरिंग टू शो कॉज व्हाई शुड नॉट पे दिस अमाउंट स्पेसिफाइड इन नोटिस अलॉन्ग विथ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 50 एंड पेनाल्टी. ये अंडरलाइन करना. और पेनाल्टी इक्वलेंट टू टैक्स स्पेसिफाइड इन द नोटिस. बताओ उसको नोटिस में पेनाल्टी कितनी मांगी जाएगी? 100% ऑफ टैक्स. अरे है ना, मतलब पेनाल्टी अगर फ्रॉड की केस होगा तो पूरा उसको ये कहा जाएगा नोटिस में कि हम तुझे पेनाल्टी इक्वल्स टू क्या 100% ऑफ टैक्स क्यों ना मांगे. 100% ऑफ टैक्स. कल वाला एग्जांपल कुछ याद है, जो फ्रॉड कर रहा है खींच के देने की इच्छा होगी. अरे है ना, मतलब 100% सीधा सीधा. ओके नाउ नेक्स्ट, निडलेट सू से notice should state the grounds based on which such demand is raised so that person against whom the notice is served is made aware on the basis of demand. chalo theek hai, ye point samajh mein aa gaya. okay, grounds batane padenge. time limit. ab time limit dekho yahan show cause notice ke, sabhi ne dhyan se dekhna. time limit of show cause notice, notice shall be served at least 6 months prior to time limit of passing the order. time limit of passing the order. और ऑर्डर आपकी 5 साल में जाएगी फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या इरोनियस रिफंड होगा तो जिस दिन इरोनियस रिफंड दिया. ओके, और अगर आपने ठीक है बराबर है, तो एनुअल रिटर्न या इरोनियस रिफंड. तो बताओ दोनों में क्या डिफरेंस, मैं डिफरेंस लिखने लगा होगा आपको. बताओ 73 की केस होगी तो ऑर्डर 3 साल में, उसके बाद भगवान भी ओपन नहीं करेगा. ओके, लेकिन अगर 3 साल के बाद कोई केस आपको ओपन करना है ऑफिसर को, तो फिर वो फ्रॉड का केस उसको ट्रीट करवाना पड़ेगा. अब उसने ट्रीट करवा दिया मतलब फ्रॉड थोड़ी होता है, हमारा भी काउंसलर काम करेगा, ये कोशिश करेगा कि ये केस फ्रॉड का नहीं है. तो फिर इन शॉर्ट ओके, फ्रॉड का केस 3 साल के पहले भी ओपन हो सकता है, पर टोटल पीरियड कितना अवेलेबल है? 5 साल. ओके, 5 साल. और नोटिस 6 महीने पहले. बताओ मतलब 4 साल 6 महीना नोटिस का. आई रिपीट, 4 साल 6 महीना नोटिस का और ऑर्डर का 5 साल. ओके, कल वाला ही लॉजिक, मैं अब वापस रिपीट नहीं करूंगा. आप नोटिस तो एनुअल रिटर्न के दो दिन बाद भी दे सकते हो, 3 दिन बाद भी दे सकते हो. मैक्सिमम पीरियड है 4 years 6 months. ओके, और ऑर्डर मैक्सिमम पीरियड है 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न. चलो मुझे फाइनल करके दो कि भाई टाइम बाउंड हुआ या नहीं. आपका एनुअल रिटर्न है 31 दिसंबर 2019 का, क्लियर? मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए. एनुअल रिटर्न है, नोटिस गई जनवरी में चलेगी और जनवरी 2022 में नोटिस गई. और केसेस फ्रॉड का समझना, केस किसका? फ्रॉड का. तो मुझे बताओ विद इन टाइम है 4 साल 6 महीना. अच्छा, 4 साल 6 महीना मतलब कट ऑफ डेट क्या आ रही है? 2019 से 30 जून 2024, तो उसके पहले ही नोटिस है. और 31 दिसंबर 2024 के पहले ऑर्डर है. ओके, तो विद इन टाइम है, विद इन टाइम है. ओके, उसके बाद में जुलाई 2023 में नोटिस गई. हाँ, विद इन टाइम है ना. और दिसंबर में ऑर्डर गया, विद इन टाइम है, विद इन टाइम है. नेक्स्ट, जून 2024 में ऑर्डर नोटिस गया, अरे विद इन टाइम है. और नवंबर में ऑर्डर फाइनल हुआ, विद इन टाइम है, विद इन टाइम है. अच्छा मुझे ये बताओ, नवंबर 2024 में गया, टाइम बाउंड हो गया, इवन दो ऑर्डर होगी आपकी 5 साल के अंदर, पर नोटिस
चार साल छह महीने के अंदर नहीं है, टाइम बर्ड हो गया, टाइम बर्ड। ओके, रिमार्क में लिखना एज नोटिस आफ्टर 30th June, एज नोटिस, नोटिस इज आफ्टर 30th June 2024। और लास्ट बेटा नोटिस में ही है पर ऑर्डर फरवरी 2025 में है, या विद इन टाइम है या टाइम बर्ड हो गया, टाइम बर्ड हो गया। ऑर्डर आफ्टर 5 years, ये टाइम बर्ड हो गया केस। चलो, वेयर नोटिस हैज बीन इश्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ पर्सन चार्जेबल टू टैक्स, ये वही है बेटा स्टेटमेंट। मतलब क्या, अगर सेम ग्राउंड होगा, कुछ याद आया ना, सेम ग्राउंड होगा तो इसमें भी स्टेटमेंट आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में नेक्स्ट देखो, पेमेंट ऑफ टैक्स बिफोर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां वॉलंटरी पेमेंट का ऑप्शन दिया, देखो, पर्सन चार्जेबल विद टैक्स टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ सच टैक्स बिफोर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, इन सच केस नो नोटिस शैल बी इश्यूड एंड देयर शैल बी नो अदर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सच डिफॉल्ट। मतलब गवर्नमेंट आपको कह रही है कि आपने अगर फ्रॉड भी किया होगा, कम ऑन यार, सुनो मेरी बात, आपने अगर फ्रॉड भी किया होगा, नोटिस आपको ही खुद को पता चला कि आपने फ्रॉड कर दिया है। मैंने क्या कहा, आपने फ्रॉड कर दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में आप नोटिस आने के पहले ही पेनल्टी 15% दे दो। कितनी दे दो पेनल्टी बेटा, 15%, और 15% पेनल्टी देके आप अपना क्या नोटिस रोक सकते हो, वॉलंटरी पेमेंट का, फ्रॉड का केस क्यों नहीं होगा, आप नोटिस रोक सकते हो 15% देके, और आपके केस में आने वाली सभी प्रोसीडिंग रोक सकते हो। यानी गवर्नमेंट एक तरह का वेलकम कर रहा है कि भाई ठीक है यार, टैक्स टैक्स रिलेटेड लॉ है, लोगों की साइकोलॉजी होती है, आपने फ्रॉड करके भी टैक्स नहीं दिया होगा तो भी अभी सुधर जाओ, वॉलंटरी दे दो। ओके, 5 साल में नोटिस आने के पहले, सॉरी 4.5 साल में नोटिस आने के पहले अगर आप खुद होके देते हो तो भी हम आपको सिर्फ 15% का पेनल्टी लगाएंगे। बताओ अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या, अगर केस 73 का होगा तो पेनल्टी नहीं लगेगी, और 74 का होगा तो पेनल्टी लग जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट, नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज चार्जेबल विद टैक्स बाय एनी रीजन ऑफ फ्रॉड मे वॉलंटरी फॉरवर्ड टू पे सच टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड स्पेसिफाइड पेनल्टी बिफोर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, ही हैज टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेबल देरऑन अंडर सेक्शन 50 एंड पेनल्टी इक्वल्स टू 15% ऑफ सच टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन असर्टेनमेंट और टैक्स असर्टेन बाय प्रॉपर ऑफिसर, फर्दर ही नीड टू इन्फॉर्म द प्रॉपर ऑफिसर इन राइटिंग सच पेमेंट, प्रॉपर ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट वॉलंटरी पेमेंट फॉल शॉर्ट ऑफ द अमाउंट एक्चुअली पेबल, देन ही कैन इश्यू द शो कॉज नोटिस। यानी आपने वॉलंटरी पेमेंट जो दिया वही शॉर्ट हो गया तो फिर बाद में वो शो कॉज नोटिस आपको दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, 74(8), वेयर सच पर्सन पे द टैक्स डिमांडेड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 50 पे एंड पेनल्टी 25% ऑफ टैक्स विद इन 30 days ऑफ शो कॉज नोटिस। ओके, तो मतलब अगर शो कॉज नोटिस के वो 30 दिन में पे करने को रेडी है, यानी नोटिस आ गई उसके फ्रॉड की और नोटिस में तो ये लिखा कि 100% पेनल्टी क्यों ना लगाए, पहले तो डरा दिया नोटिस में क्या कि 100% पेनल्टी क्यों ना लगाए, पर उसने 25% अगर नोटिस के 30 दिन में अगर वो देने को रेडी है तो उसकी पेनल्टी 25% लगकर सेटल हो सकती है, मतलब पूरा 100% पेनल्टी नहीं लगेगा। ओके, एंड ऑल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट में कंक्लूड मानी जाएगी, मतलब उसका अरेस्ट वगैरह भी नहीं होगा। उसके बाद में एडजुडिकेशन ऑर्डर, अब ध्यान से देखो, अ पर्सन चार्जेबल विद टैक्स ही मे फर्निश रिप्रेजेंटेशन टू प्रॉपर ऑफिसर इन हिज डिफेंस इफ इज इन व्यू दैट ही इज नॉट सो लायबल टू पे होल और एनी पार्ट ऑफ अमाउंट मेंशन इन शो कॉज नोटिस, प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय पर्सन इफ एनी पास एन ऑर्डर, ऑफिसर ऑर्डर दे देगा उसके अगेंस्ट में डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ड्यू फ्रॉम सच पर्सन, वेयर एनी पर्सन सर्व विद एन एडजुडिकेशन ऑर्डर pay the tax along with interest payable under section 50 and penalty equivalent to 50% of tax within 30 days of communication of order, all proceeding in respect of this said notice shall be deemed to be kya concluded. ab uske baad mein bhi chance diya kya, jis din order aaya, suniyega, jis din order aaya wahan se agar wo kya
30 दिन में पे कर देता है, सुनना मेरी बात, वहां से क्या 30 दिन में पे कर देता है तो वो सिचुएशन में पेनल्टी 50% ही लगेगा, ओके। लेकिन अगर 30 दिन में वो पे नहीं करेगा तो फिर पेनल्टी कितना लगेगा, 100%, ओके। तो 100% पेनल्टी लगाया जाएगा। नाउ नीचे, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 73 एंड 74, द एक्सप्रेशन ऑल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट सेड नोटिस शैल नॉट इंक्लूड प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132। ये आगे मैं पढ़ा होगा। ये जो 73-74 में कहा गया कि आप ओके जो पेनल्टी 30 दिन में दे दोगे तो इतना ओके, और ऑल प्रोसीडिंग कंक्लूड मानी जाएगी, मतलब कोई एक्शन आपके अगेंस्ट में नहीं लिया जाएगा, इसमें सेक्शन 132 की पेनल्टी कवर, सॉरी 132 का एक्शन कवर नहीं होगा। अब सेक्शन 132 क्या है मैं आगे बताऊंगा और तब ये कनेक्ट करके दूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट, वेयर नोटिस अंडर द सेम प्रोसीडिंग इज इश्यूड टू मेन पर्सन लायबल टू पे टैक्स एंड सम अदर पर्सन एंड सच प्रोसीडिंग अगेंस्ट द मेन पर्सन हैव बीन कंक्लूडेड अंडर सेक्शन 73 एंड 74, द प्रोसीडिंग अगेंस्ट ऑल द पर्सन लायबल टू पे पेनल्टी अंडर सेक्शन 122, 125, 129 एंड 130 आर डीम्ड टू बी ओके कंक्लूडेड। इंपॉर्टेंट, थोड़ा ये पॉइंट समझना, मतलब क्या ओके, आगे मैं सेक्शन जब 122, 125, 129 पेनल्टी के सेक्शन आपको सिखाऊंगा, तो ये सेक्शन में ऐसा है कि जिसने टैक्स इवेड किया है उसके अगेंस्ट में तो हो गई, उसके अगेंस्ट में एक्शन हो गई, ओके, साथ साथ में ओके जिसने उसको हेल्प किया टैक्स इवेड करने में, बायर है, ट्रांसपोर्टर है, वेयरहाउस कीपर है, अरे है ना, कंसाइनमेंट एजेंट है, तो जो भी लोगों ने उसको टैक्स इवेजन के लिए हेल्प किया उस पर भी 100% पेनल्टी लगाया जाएगा, ओके, अंडर सेक्शन 122, 125, 129। मेरी बात समझे क्या आप? तो ऐसे केस में, अब सुनना मेरी बात, हाँ, ये पैराग्राफ में क्या कहते हैं, अच्छा पैराग्राफ है ये, कि अगर एक्शन, मतलब आप मेन कल्प्रिट नहीं हो, मेन कल्प्रिट जो टैक्स पेयर, उसने तो इवेड किया, पर आपने उसको सपोर्ट किया ना, आपने उसको सपोर्ट किया ना, तो ओके ऐसे सिचुएशन में ओके यहां पे उसके अगेंस्ट में भी एक्शन लिया जाएगा, ओके, जो सपोर्ट किया उस पर भी 100% पेनल्टी डाल दी जाएगी, 100% ऑफ टैक्स इवेडेड, ओके, अंडर दिस सेक्शन। लेकिन अगर आपका मेन कल्प्रिट बंदा अगर सॉरी बोल देता है, सॉरी मतलब सॉरी वो बोल देता है कि ठीक है मैं वॉलंटरी दे दूंगा, ऑल प्रोसीडिंग कंक्लूडेड, या मैं नोटिस के 30 दिन में दे दूंगा, ऑल प्रोसीडिंग कंक्लूडेड, या मैं डिमांड ऑर्डर के 30 दिन में 50% पेनल्टी देके कंक्लूड कर रहा हूं, अगर मेन कल्प्रिट बंदे की प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई क्योंकि वो विद इन टाइम अपनी पेनल्टी देके खत्म कर रहा है, तो फिर उसके साथ जो नोटिस अदर्स को दी थी, जो इन्वॉल्व थे, उसके अगेन में भी कंक्लूड मान ली जाएगी और उनको भी माफ कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन वो ओके सर, क्या उनको भी वो 50% या फिर ओके 25% या 15% देना पड़ेगा? नहीं, उनको नहीं देना पड़ेगा। अगर मेन बंदा ओके वॉलंटरीली 15% पेनल्टी देके खत्म कर रहा है केस को, या फिर सुनना मेरी बात, या फिर कितना 25% देके ओके खत्म कर रहा है केस को, या 50% देके खत्म कर रहा है केस को, तो फिर उनको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा और उनकी भी प्रोसीडिंग विड्रॉ कर ली जाएगी। ओके, ये नेक्स्ट, For the purpose of this act, the expression suppression shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the written statement, report or any other document furnished under this act or rules made thereunder, and failure to furnish such information are being asked for in writing by the proper officer. मतलब suppression किसको बोला जाएगा? By written या कोई document या कोई declaration में आपने information देनी चाहिए थी और आपने नहीं दी, या officer ने आपको मांगी और आपने वो information नहीं दी, तो उसे suppression माना जाएगा और वो suppression के केस में 74 की proceeding आपके against में ओके यहाँ पे ली जाएगी। ओके, तो I hope आपको ये, हाँ, 2 मिनट, हाँ बोल बेटा, नहीं 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 ओके, सवाल ये है बेटा, एक क्लाइंट है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और इस पर क्लैरिटी है, हमारे इंस्टीट्यूट की भी क्लैरिटी है। सवाल क्या है मैं आपको बताता हूँ सर, बहुत अच्छा सवाल है और ये मैंने पढ़ाते वक्त भी मैंने ITC में पढ़ाया था और वापस तेरे को याद नहीं होगा इसलिए बता देता हूँ। सवाल ये है कि सर अभी क्या हुआ कि समझ लो मई का मैं 3B फाइल कर रहा हूँ और मई का GST R1 कब जाएगा, मई का GST R1 10 जून को, और 3B कब जाएगा,
28 जून को, ओके। तो मई में मैंने रिवर्स चार्ज वाली, सुनो, मई में मैंने रिवर्स चार्ज वाली लीगल सर्विस या जीटीए सर्विस ली। तो मैं मई के 20 तारीख को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में 3B में ऐड भी कर रहा हूं, यानी 3B में ऐड भी कर रहा हूं 20 तारीख को 3B में एज अ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि वो मुझे पे करना पड़ेगा, अरे है ना। और नीचे क्रेडिट लेते वक्त उसके क्रेडिट भी ले रहा हूं सेम पीरियड का 3B में। तो क्या ऐसा ये गलत है क्या सर? पहली बात तो क्या ये गलत है क्या? क्योंकि मैंने रिवर्स चार्ज में, देखो रिवर्स सुनिए, रिवर्स चार्ज में मैंने मई में सर्विस ली थी जिसका पेमेंट रिवर्स चार्ज के अंडर में, ओके, मेरा TOS आ गया इसी मंथ में। क्यों TOS आया? क्योंकि सेक्शन 13(3) के हिसाब से, ओके, मैंने उसका इधर पेमेंट कर दिया होगा या 61th डे हो गया होगा, नहीं समझा आप? तो इसी मंथ में मेरा क्या TOS आ गया, ओके, तूने पेमेंट भी कर दिया। हाँ, लेकिन GST ऑडिट करते वक्त ध्यान रखना, अगर आपने लॉयर से सर्विस ली और आपने उसको पेमेंट नहीं किया, नहीं समझा आपने उसको पेमेंट नहीं किया या फिर 61th डे अभी तक नहीं हुए, ओके, और इस मंथ में 61 डे तो हो गए ही नहीं, प्लस आपने उसको पेमेंट नहीं किए, तो आपका TOS ही नहीं आएगा। अगर आपका TOS नहीं आएगा तो इस मंथ के ड्यू डेट में देने की जरूरत नहीं है, और इस मंथ के ड्यू डेट में नहीं दे रहे तो उसका क्रेडिट भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पेमेंट ही नहीं किया। नहीं समझ में आया, ओके। तो पर बहुत लोग क्या कर रहे हैं, ये बात को वो समझते नहीं है, बस इस मंथ में ले लिया ना लॉयर की सर्विस, मैंने पेमेंट वो पेबल निकाल रहे हैं जबकि उसका TOS आया ही नहीं ये मंथ में, जबकि पेबल निकाल रहे हैं, पेबल निकाल के उसका पेमेंट भी कर रहे हैं और क्रेडिट भी ले रहे हैं, दोनों चीजें गलत हो रही है, क्योंकि उसका TOS आया ही नहीं है। उसका TOS तब आएगा जब आपने यार कुछ जब आपने पेमेंट किया हो या 61th डे खत्म हो गए हो फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस। पर अब तेरे केस में मैं अज्यूम करता हूं, सुनो, उसके केस में अज्यूम करता हूं कि हाँ ये मंथ में पेमेंट हो गया और मई में ही उसका TOS आ गया। मई में TOS आने की वजह से, सुनो मेरी बात, मई में TOS आने की वजह से 20 तारीख को मैं उसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर रहा हूं, और 20 तारीख को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करने के बाद, ओके, सेम नीचे 3B में उसका क्रेडिट भी ले रहा हूं। तो सर ये क्या सही ट्रीटमेंट है क्या? ऐड भी हो रहा है और क्रेडिट भी ले रहा है। इस पे सवाल बीच में कंफ्यूजन हो गया था क्या, क्योंकि सेक्शन, सुनिएगा अब मेरी बात सुनिएगा, सेक्शन 16(2) की कंडीशन ऑफ अवेलमेंट ऑफ ITC, पहली कंडीशन, आपके पास इनवॉइस या डेबिट नोट होनी जरूरी है। दूसरी कंडीशन, गुड्स और सर्विसेज रिसीव होना जरूरी है। कुछ याद आया क्या? गुड्स और सर्विसेज रिसीव होना जरूरी है। फिर वो रिसीव क्यों ना रिवर्स चार्ज वाली हो, अज्यूम करेंगे रिवर्स चार्ज वाली भी रिसीव हो गई है। तीसरी कंडीशन, आपके सप्लायर ने, आपके सप्लायर नहीं, आप जो भी टैक्स का ITC ले रहे हो, तीसरी कंडीशन है, जो भी टैक्स का ITC ले रहे हो उसके पेमेंट हो जाने चाहिए। अगर आप सप्लायर के इनवॉइस पे ITC ले रहे हो तो सप्लायर ने उसके पेमेंट कर देने चाहिए, या आप रिवर्स चार्ज में टैक्स दे रहे हो, समझ में आया क्या, तो उसके पेमेंट हो जाने चाहिए। पेमेंट हो जाए तो ITC ले सकते हैं। अब उसका सवाल क्या है, सुनो, उसका सवाल है कि सर मैं जब पेमेंट ही 20 तारीख को कर रहा हूं, तीसरी कंडीशन क्या अवेलमेंट ऑफ ITC की, कि पेमेंट होने के बाद ITC लो, तो सर जब मैं रिवर्स चार्ज वाला पेमेंट ही 20 तारीख को कर रहा हूं तो 20 तारीख को ही उसका क्रेडिट कैसे लू? वो तो नेक्स्ट, क्योंकि ये 20 को पे करूंगा और नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होने के बाद नेक्स्ट मंथ में उसका ITC क्लेम करूंगा, यही तेरा बोलना है ना, यही तेरा बोलना है कि हाँ। कुछ लोगों के इंटरप्रिटेशन ये थे, बीच में बहुत डिस्कशन चला, मेरे भी सेशन आप यूट्यूब पे देख ले, ओके, शायद डिलीट नहीं, क्योंकि मेरा चैनल ही डिलीट हो गया था बीच में, इसलिए वो सब सेशन चले गए, ओके, मैंने इस पे डिस्कशन डाला था कि हाँ इसमें कंफ्यूजन हुआ था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि ये 20 को पे करो और नेक्स्ट मंथ में उसका ITC लो 3B में, कुछ लोगों का ये मानना था कि नहीं, ओके, एक सेक्शन जो आपके सिलेबस में नहीं है, सेक्शन 41 प्रोविजनल ITC, आई रिपीट द वर्ड, क्या प्रोविजनल ITC, ओके, प्रोविजनल ITC कंसेप्ट एक GST में है जिसके बेस पे आप 20 तारीख को पेमेंट में भी ऐड करो और उसका
सेम मंथ का क्रेडिट भी ले लो, सेम मंथ का क्रेडिट भी ले लो। तो इस पे अभी मैक्सिमम यही व्यू है कि अगर लास्ट मंथ में रिवर्स चार्ज वाला कोई सर्विस लिया होगा जिसका TOS आया होगा, तो वो मंथ के ड्यू डेट में आप पेमेंट में भी ऐड करो और सेम मंथ में क्रेडिट भी ले लो। नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। हमारे ICAI ने लास्ट मॉक टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन डाला था उसमें सेम मंथ में ITC लिया है, और ICAI का क्लियर व्यू है, इवन CMA और CS इंस्टीट्यूट का भी क्लियर व्यू है, आप सेम मंथ में उसका ITC ले सकते हैं। पर कुछ लोग, कुछ कंसल्टेंट इस बात पर रेडी नहीं है, शायद तुम्हारे बॉस रेडी नहीं हो गए इस ये बात मानने को, क्योंकि बात इंटरप्रिटेशन की है। अरे है ना, पर एज अ स्टूडेंट मैं आपको कहूंगा कि सेम मंथ में उसके ITC ले लेना। इज इट क्लियर? ओके, तो ये बात थोड़ी अलग थी पर हमारा डिस्कशन हुआ इस बात पे। चलो ओके, डिमांड एंड रिकवरी। तो बेटा ये जो शो सुनिएगा, ये शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर कौन सा ऑफिसर कब देगा, तो इसकी लिमिट्स दी है, ये आप रीड कर पाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट है सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट ओके 10 लाख तक का केस आपके अगेंस्ट में लगा सकता है अगर CGST का होगा या ITC का होगा। नाउ IGST का केस होगा तो 20 लाख तक लगा सकता है, या CGST SGST IGST का होगा तो भी लिमिट कितना है बेटा 20 लाख। उसके बाद में डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर 10 लाख के ऊपर अगर आपका टैक्स अमाउंट जा रहा है तो फिर वो केस किसके पास जाएगा, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर के पास जाएगा। तो सर ये लिमिट एग्जाम में आती है क्या? एक्साइज में 2 बार क्वेश्चन थे पावर ऑफ ऑफिसर। अब GST में मुझे नहीं पता, क्योंकि एक्साइज में 10 साल में, पिछले 10 साल में 2005 से लू और 2017 तक लू, तो लिमिट पे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा पावर कितने लिमिट पे एक्शन ले सकता है, तो इसलिए एक बार तो भी अच्छे से रीड करके चले जा रहा। ओके नाउ नेक्स्ट पेज, एक ब्लैंक पेज दिया है वहां चार्ट बना लो। चलो फटाफट लिखो, कंपैरिजन ऑफ सेक्शन 73 एंड 74। कंपेरिजन ऑफ सेक्शन 73 एंड 74। हाँ, ए वर्टिकल पेज, सिंगल और वर्टिकल पेज, सेक्शन 73 एंड 74 डन। हाँ, अब इसमें लो टेबल इस तरह से लेना, पर्टिकुलर्स 73 और 74, सेक्शन 73 और 74 लिखो। पहला केसेस व्हेन शो कॉज नोटिस, केसेस पर्टिकुलर्स में लिखना पहला, केसेस वेयर शो कॉज नोटिस शैल बी इश्यूड। लिखते वक्त अभी ध्यान दो, लर्न हो जाना चाहिए मेरे साथ, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ आपको। जैसा कल कुछ तो ग्रीप आई होगी जब हमने असेसमेंट और ऑडिट लिखा, चलो कुछ तो दिमाग में चार्ट बना होगा ना, सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, स्क्रूटिनी असेसमेंट। तो मैं ओके, यही एक थोड़ा मेन डिफरेंस होता है यहाँ पे कि मैं रेगुलर बैच में ये सब चार्ट बनवा के देता हूँ ओके, और हर बैच में मैं कुछ नया ऐड करते जाता हूँ, इसलिए थोड़ा कभी कभी पीरियड भी एक्स्ट्रा लग सकता है ओके। तो यहाँ 73 एंड 74 ओके, तो केसेस वेयर शो कॉज नोटिस क्या लिखा आपने, शैल बी इश्यूड। बताओ आप थोड़ा मेहनत करो, मैं सपोर्ट करता हूँ। 73 में कब केसेस, कौन सी केसेस है, हाँ अदर देन फ्रॉड की, और उसको थोड़ा लिखना है ऐसे, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, हम आप भी शॉर्ट फॉर्म यूज करना, लेकिन बाद में हम उसको यहाँ पे उसके डिनोटेशन बता देंगे।
मतलब SPNP ER या फिर अवेलमेंट ऑफ ITC। ओके, SP मतलब शॉर्ट पेमेंट, नॉट पेमेंट, इरोनियस रिफंड और रॉन्गली अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। ITC बाय रीजन, बाय रीजन अदर देन, बाय रीजन अदर देन फर्स्ट डैश फ्रॉड, सेकेंड डैश वर्डिंग्स पे कैच करना, सेकेंड क्या था बताओ, एक मिनट, मिसस्टेटमेंट और विलफुल मिसस्टेटमेंट में बहुत फर्क है। विलफुल मतलब फ्रॉड का ही है फिर केस, और जस्ट मिसस्टेटमेंट मतलब फ्रॉड नहीं है। ओके, सेकेंड डैश विलफुल मिसस्टेटमेंट, फिर से कह रहा हूं लिखते वक्त ध्यान देना लर्न हो जाएगा। ओके, विलफुल मिसस्टेटमेंट, और थर्ड डैश क्या, सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स, सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स। एग्जैक्टली सेम कॉपी करो 74 में, सिर्फ अदर देन के बजाय क्या वर्ड आएगा, बाय रीजन ऑफ, वो पूरा लिखो एक बार, लर्न होगा, राइटिंग प्रैक्टिस होगी, लर्न होगा, पूरा लिखो एक बार, वैसा का वैसा, सिर्फ अदर देन के जगह बाय रीजन ऑफ फ्रॉड। सेवेंटी फोर में वैसा का वैसा कॉपी करो। मैं ये थ्योरेटिकल टॉपिक में चार्ट्स टेबल बस इसलिए लिखवा के दे रहा हूं क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक इजी हो जाए आपके लिए, ये बोरिंग ना हो। ठीक है, यस नो, ठीक है, सेकंड। अच्छा, ये तो केसेस है जहां शो कॉज नोटिस आएगी, दूसरा क्या, पीरियड ऑफ शो कॉज नोटिस, सेकेंड लो पीरियड ऑफ शो कॉज नोटिस, या पीरियड या टाइम लिमिट, ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड है, पीरियड या टाइम लिमिट ऑफ शो कॉज नोटिस। क्या लिखू 73 का, एटलीस्ट पहले टेक्निकल वर्ड लिखूंगा, एटलीस्ट क्या, 3 मंथ्स बिफोर द टाइम स्पेसिफाइड पर ऑर्डर, दैट इज 2 years 9 months। ये समझा नहीं समझा, ओके लिखो, इट 73 में लिखो, इट शैल बी इश्यूड, इट शैल बी इश्यूड एटलीस्ट, एटलीस्ट 3 months prior to time limit, 3 months prior to time limit specified, time limit specified for passing the order, passing the order, that is कितना बेटा, सॉरी एक मिनट, that is हाँ, that is 2 years and 9 months, 2 years 9 months from the date of annual return, दूसरा वाला आप लिखोगे, क्या चेंज करना है, 3 months के जगह 6 months, बस उतना है, और पूरा लिखो वापस, दैट इज पहले तो क्या लिखोगे 6 मंथ ना, और बाद में 4 years 6 months, तो सेकेंड वन आएगा, इट शैल बी इश्यूड एटलीस्ट 6 months प्रायर टू टाइम लिमिट स्पेसिफाइड फॉर पासिंग द ऑर्डर, दैट इज 4 years क्या,
सिक्स मंथ्स डन। अब टाइम लिमिट फॉर डिमांड ऑर्डर, नेक्स्ट टाइम लिमिट फॉर डिमांड ऑर्डर, कितना है टाइम लिमिट डिमांड ऑर्डर का? ओके लिखो, इट हैज टू बी पास विद इन 3 years It has to be passed within 3 years from the due date of furnishing the annual return. Due date of furnishing annual return. Or date of erroneous refund. Date of erroneous refund. तो दूसरा वाला आप लिखो, कितना आएगा? 5 years. दूसरा वाला आप लिखो, 5 years. जिस जब गवर्नमेंट ने आपको दिया, डेट ऑफ इरोनियस रिफंड मतलब जब गवर्नमेंट ने आपको दिया पैसा, वहां से 3 साल या 5 साल, ठीक है? नेक्स्ट टाइटल द वॉलेंट्री पेमेंट, वॉलेंट्री पेमेंट। लिखो, द पर्सन हु इज चार्जेबल टू टैक्स और ग्रांटेड इरोनियस रिफंड मे पे टैक्स वॉलंटरीली with interest before serving SCN show cause notice on the basis of first dash his own ascertainment or second dash ascertained by proper officer ठीक है, and inform such payment to officer बताओ क्या डिफरेंस आएगा 74 में? एग्जैक्ट सेम वर्ड आएगा, बस क्या डिफरेंस आएगा बताओ? आपने जो वर्ड एक ही लाइन का, वो आपको लिखना है, एक ही लाइन का डिफरेंस आएगा भाई एग्जैक्टली, क्या
ओके, पेमेंट ऑफ टैक्स अलोंग विथ, क्या लिखे थे हमने, पेमेंट ऑफ टैक्स अलोंग विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी 15%। वहां सिर्फ एक ही वर्ड ऐड करना है क्या, एंड पेनल्टी 15%, उसको अंडरलाइन कर देना, लिखो, एग्जैक्ट कॉपी करो, करो करो करो, आपका लर्न होगा, करो, मानता हूं आप सी ए फाइनल के स्टूडेंट हो, लिखना जान पे आता है, ऐसा लगता है कि बच्चों जैसा क्या कर रहे हैं, फिर बच्चा बनना जरूरी है, सिर्फ आपको एक वर्ड ऐड कर देना है, टैक्स विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी 15%, और वो पेनल्टी 15% ऑफ टैक्स, बाकी एग्जैक्टली सेम। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलेगा पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट विद इन 30 days ऑफ शो कॉज नोटिस। Within 30 days of show cause notice. ठीक है, तो बताओ पेमेंट और इंटरेस्ट विद इन 30 days ऑफ शो कॉज नोटिस दे रहे हो, लिख दो 73 में नो पेनल्टी, नो पेनल्टी, और उधर कितना आएगा, पेनल्टी पेबल इक्वल्स टू 25% ऑफ टैक्स, नेक्स्ट लिखो, लिखो फाइनलाइजेशन ऑफ डिमांड ऑर्डर, फाइनलाइजेशन ऑफ डिमांड ऑर्डर, लिखो 73 में पेनल्टी पेबल, पेनल्टी पेबल is 10% of tax or ₹10,000, whichever is higher, whichever is higher, ठीक है, नीचे नोट दो एक, this penalty is fixed, this penalty is fixed irrespective of the fact that whether taxpayer is making payment within 30 days of communication of order, within 30 days of communication of order or not,
ये समझा क्या? अब आप 30 दिन के ऑर्डर के 30 दिन में दो या मत दो, आपको पेनल्टी फिक्स हो गया, लेकिन 74 में लिखो। इन दिस केस पेनल्टी पेबल इक्वल्स टू 100% ऑफ टैक्स, पेनल्टी पेबल इक्वल्स टू 100% ऑफ टैक्स, 100% ऑफ टैक्स, पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। नीचे लिखो बट, अब समझा आपको, बट इफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, बट इफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इज पेड विद इन 30 days, within 30 days of communication of order, within 30 days of communication of order, then penalty payable only to the extent of, kya beta? Penalty payable only to the extent of 50% of tax. चल डन। तो यहां हमने बाकी जो जगह बच गई वो बच गई बेटा, ये दो पेज मैंने ब्लैंक दिए थे। चलिए नेक्स्ट एक क्लैरिफिकेशन है, देखो इश्यू क्या है यहां पे, वेदर पेनल्टी इन अकॉर्डेंस विद 73(11) ऑफ द CGST एक्ट शुड बी लेविड इन अ केसेस वेयर रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B हैज बीन फाइल्ड आफ्टर क्या, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सच रिटर्न, मतलब 3B ड्यू डेट के बाद दिया तो क्या 73(11) की पेनल्टी दी जाएगी? तो देखो एज पर प्रोविजन ऑफ 73(11) CGST एक्ट पेनल्टी इज पेबल इन केस सेल्फ असेस्ड टैक्स और एनी अमाउंट कलेक्टेड टैक्स हैज बीन पेड हैज नॉट बीन पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स। It may be noted that show cause notice is required to be issued to a person where it appears to the proper officer that tax has not been paid or short paid or wrongly available utilization of ITC. Niche dekho, the provision of 73(11) of CGST Act can be invoked only when provision of section 73 are invoked. Matlab 73(11) ki penalty tabhi lagai jayegi jab kya notice aapke against mein aayegi. The provision of section 73 of CGST Act are generally not invoked in case of delay filing of return of form GSTR 3B because tax along with applicable interest has already been paid but after due date of payment of such tax. It is accordingly clarified that penalty under section provision of section 73(11) of CGST Act is not payable in such case, underline. It is further clarified that since the tax has been paid late in contravention of provision of CGST Act, a general penalty under section 125 of CGST Act may be imposed. अब थोड़ा ये clarification important है और इसके ऊपर case study आ सकती है, पर मैं ये clarification से ज्यादा satisfied नहीं हूं, पर मेरे satisfied होने से कोई लेना देना नहीं है। CBIC जो करेगी वो आपको follow करना, मतलब क्या, अभी अभी मैंने आपको ये पढ़ाया कि भाई notwithstanding to, कुछ याद आया क्या, वॉलेंट्री पेमेंट और एक्सेट्रा, अगर आपने सुनना, अगर आपने ड्यू डेट के 30 दिन में टैक्स नहीं दिया तो आपकी फिक्स पेनल्टी लगेगी, और कितनी फिक्स पेनल्टी लगेगी बेटा, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। पर ये क्लैरिफिकेशन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्लैरिफिकेशन ये कहता है कि वो जो 10% का पेनल्टी है वो तभी लगेगा जब 73 का एक्शन होगा, जब क्या बेटा 73 का एक्शन होगा आपके अगेंस्ट में तभी वो लगाया जाएगा। मतलब क्या, मतलब केस ऐसी हुई कि भाई आपने ड्यू डेट को टैक्स नहीं दिया, मतलब आपने सेल्फ असेस किया, ड्यू डेट को टैक्स नहीं दिया, एनुअल रिटर्न तक भी टैक्स नहीं दिया, फिर 73 का नोटिस आया, और 73 का नोटिस आने के बाद आपने वॉलंटरी पे कर दिया होगा, या 73 का नोटिस आने के पहले आपने वॉलंटरी पे कर दिया होगा, अरे है ना, तो मतलब अगर 73 की एक्शन आपके अगेंस्ट में हुई होगी तो ही जो सेल्फ असेस किया हुआ टैक्स है
नहीं समझ रहे आप, सेल वर्सेस किया हुआ टैक्स है, वो 30 दिन में नहीं दिया उसका पेनल्टी लगेगा, क्यों ना फिर वो ओके आप नोटिस के 30 दिन में दे रहे हैं। लेकिन अगर 73 की एक्शन ही नहीं होती है आपके अगेंस्ट में, कम ऑन, क्या 73 की एक्शन ही नहीं होती है आपके अगेंस्ट में, तो 73(11) नहीं लगाया जाएगा। मतलब बहुत लेमैन लैंग्वेज में कहो तो यह कहा जा रहा है कि अगर आपके ड्यू डेट से 30 दिन में आपने नहीं दिया और 73 का कोई एक्शन आपके अगेंस्ट में इनिशिएट नहीं हुआ तो आपको यह पेनल्टी देने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी बात समझे क्या? ये पेनल्टी देने की कोई जरूरत नहीं है 10% ऑफ टैक्स इवेडेड, वो केस में सिर्फ 125 की जनरल पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। सर 125 की जनरल पेनल्टी क्या है, मैं आगे कवर करूंगा। ओके, ये क्लैरिफिकेशन नो डाउट हर वो टैक्स पेयर को अभी रिलैक्सेशन मिला है जिन्होंने 3B लेट फाइल किए है, क्योंकि वो तो क्या हो जाता था, जिसने 3B लेट फाइल किए बारात में बाराती डांस करने वाले ही रहते थे, कैसे रिटर्न लेट गया उसकी लेट फी, रिटर्न की लेट फी 100 रुपीज, अभी 25 रुपया चालू है, नहीं नहीं समझा। उसके बाद में क्या, उसके बाद में इंटरेस्ट लग रहा है वो लग ही रहा है, उसके बाद में क्या 125 मतलब पेनल्टी जो लग रही है 122-125 में, प्लस ये जो 73(11) की पेनल्टी क्या 10%। लेकिन अभी रिलैक्सेशन क्या दिया इन्होंने, रिलैक्सेशन ये दिया कि भाई वो 73(11) की पेनल्टी नहीं लगेगी, इवन तो आपने 3B लेट फाइल कर दिया होगा और 30 दिन के बाद भी आपने उसका पेमेंट किया होगा पर नहीं लगेगी आपको। ओके, बट आपको 125 की जनरल पेनल्टी क्या लग सकती है। अभी ऐसा समझ लो कि भाई ये क्लैरिफिकेशन बस इलेक्शन की वजह से आया होगा कि जो लोग 3B फाइल करने में लेट हो गए, आई होप, पर आपको ये क्लैरिफिकेशन ही फॉलो करना है। एक बार फिर से वो बताओ, 10% वाला ड्यू डेट वाला 30 दिन में नहीं दिया, कब लगेगा पता है क्या? जिस दिन प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी आपके अगेंस्ट में 73 में, अगर नहीं इनिशिएट हुई तो वो नहीं लगेगा, फिर आपको सिर्फ जनरल पेनल्टी लगेगी। आई होप यू आर अंडरस्टूड। ओके, फिर सर ये क्लैरिफिकेशन के हिसाब से आपने जो ऊपर वाला प्रॉब्लम हमें सॉल्व करके दिया है, नहीं समझा, वो क्लैरिफिकेशन के हिसाब से ऊपर वाला जो प्रॉब्लम आपने हमें सॉल्व करके दिया है, फिर तो वो तो गलत हो रहा है क्योंकि उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हुई थी। मैं मानता हूं और मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हूं, पर आपको अब ये क्लैरिफिकेशन फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए ऊपर वाले प्रॉब्लम में आ जाओ और एक नोट लिख दो। ऊपर वाले प्रॉब्लम में आ जाओ, आई थिंक पेज नंबर 548 पे, और वहां एक नोट लिखो, 548 पे आओ और एक नोट लिखो, ये प्रॉब्लम के नीचे, ये प्रॉब्लम के नीचे, ठीक है, नोट ये दो। एज पर द क्लैरिफिकेशन गिवन बाय CBIC, एज पर द क्लैरिफिकेशन गिवन बाय CBIC सर्क्यूलर नंबर 76, ये सर्क्यूलर नंबर 76/50/2018 पेनल्टी अंडर सेक्शन 73(11) shall be imposed only if proceeding under section 73 is initiated. Proceeding under section 73 is initiated. In above problem, it seems that no proceeding is initiated under section 73, hence no penalty is payable
हैंस नो पेनल्टी इज पेबल. समझे कुछ? नो पेनल्टी इज पेबल. ओनली जनरल पेनल्टी अंडर सेक्शन क्या 25 इज पेबल. अंडर सेक्शन 25 इज पेबल. वहां लिख देना रेफर सर्कुलर नंबर ऑन पेज, जो भी पेज पे होगा. रेफर सर्कुलर नंबर ऑन पेज नंबर, पेज नंबर कोट कर देना वहां पे. जो भी पेज पे सर्कुलर होगा आपके नोट्स में. नाउ ओके सेक्शन 75 जनरल प्रोविजन. ओके आप देख रहे होगे बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक्स जो थ्योरेटिकल है. बस थोड़ा उसका टेबल चार्ट अरेंज कर लेना, ठीक है ना. 75 जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स. जब भी कोई हमारा ऑफिसर आपकी डिमांड ऑर्डर फाइनल करेगा तो कुछ बातों को ध्यान में रखेगा, कुछ जनरल प्रोविजन को ध्यान में रखेगा. आप भी टैक्स पेयर, अगर हमारे ऑफिसर ने ये जनरल प्रोविजन को ध्यान में न रखते हुए आपके अगेंस्ट में कोई नोटिस या डिमांड ऑर्डर दे दी तो आप इमीडिएट उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं. तो 75 ओके एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी ऑफिसर ने नोटिस या डिमांड ऑर्डर दी होगी तो ये जनरल प्रोविजन उसने फॉलो किया है या नहीं किया, ये जरूर देखना. पहला where the service of notice or issuance of order is stayed, underline the word stayed, by an order of court or appellate tribunal, the period of stay shall be excluded in computing the period specified. Okay, of show cause notice or demand order. मतलब क्या? मतलब अगर आपकी notice stay लाया होगा आपने notice पे by court या order पे stay लाया होगा by court. Okay. तो अगर आपने स्टे लाया होगा कोई रीजन के वजह से तो वो स्टे का पीरियड ओके आपके कैलकुलेशन में यानी 2 साल 9 महीना या डिमांड ऑर्डर 3 साल या 4 साल 6 महीना 4 years 6 months या 5 years ये कंपटीशन में एक्सक्लूड किया जाएगा. सर थोड़ा और समझाना, एक्सक्लूड किया जाएगा मतलब क्या? समझ लो ये आपका फिनेंशियल ईयर था, फिनेंशियल ईयर ओके 18-19 ओके. ये आपका एनुअल रिटर्न की डेट थी. एनुअल रिटर्न क्या बेटा? 31 दिसंबर 2019 ओके. अब ये जो पीरियड था यहां से, अब देखो यहां से आप 3 साल में कितना, अगर 73 का केस होगा तो कितना? 3 इयर्स ओके. तो 3 इयर्स मतलब 31 दिसंबर, नहीं कुछ लिखना मत, पहले देख लो 31 दिसंबर 2000 क्या 22 तक आप ऑर्डर दे सकते थे. और शो कॉज नोटिस कब तक दे सकते थे? 30 सितंबर, ठीक है 30 सितंबर 2022 तक आप शो कॉज नोटिस दे सकते थे, लेकिन बीच में 3 महीना स्टे था ओके. 3 मंथ स्टे था ओके, स्टे बाय स्टेड बाय कोर्ट ओके, बाय कोर्ट 3 महीना स्टे लाया था आपने बीच में. तो ये 3 महीना जो आपने स्टे लाया था बेटा ओके, तो उतना आपका पीरियड आगे 3 महीना एक्सटेंड हो जाएगा. मतलब ये आपके कैलकुलेशन से एक्सक्लूड किया जाएगा. नहीं समझा? यानी हमारा ऑफिसर जब नोटिस, तो अब अगर 3 महीना स्टे आया तो मुझे बताओ ये स्टे के वजह से अब शो कॉज नोटिस का डेट 30 सितंबर रहा या आगे बढ़ गया? अरे समझ में ना, आगे बढ़ जाए. मतलब ये लिख दो नोटिस पीरियड शो कॉज नोटिस पीरियड 3 मंथ्स एक्सटेंडेड. शो कॉज नोटिस पीरियड 3 मंथ्स एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंड कर दिया जाएगा. और डिमांड ऑर्डर पीरियड ऑल्सो एक्सटेंडेड. अब लिख सकते हो आप डिमांड ऑर्डर पीरियड पीरियड फॉर 3 मंथ्स एक्सटेंडेड, 3 मंथ्स एक्सटेंडेड. डन.
ठीक है। हाँ तो आपने भी ख्याल रखना, आप अड़े मत रहना कि 30 सितंबर को नहीं आया, अब मैं अब गया गया हाथ से गया, ओके अब नहीं खेलते, ऐसा नहीं होगा। ऑफिसर खेलेगा आगे 3 महीना और खेलेगा। ओके तो यहाँ पे उसके बाद में नेक्स्ट, इफ चार्जेस ऑफ फ्रॉड इज नॉट सस्टेनेबल व्हेन अपीलेट अथॉरिटी ऑफ कोर्ट कन्वर्ट इन नॉर्मल केस, मतलब क्या, अगर आपने केस फ्रॉड के अंडर में लगाया 74, बाद में कोर्ट में ये प्रूव हो गया कि फ्रॉड का केस नहीं है, तो आपका अब टाइम पीरियड 4.5 साल से, 4.5 साल कौन से थे बेटा नोटिस के, वो 2 महीना 2 साल 9 मंथ्स पे आ जाएगा, 2 years 9 मंथ पे आ जाएगा, और डिमांड ऑर्डर 5 साल से 3 साल के अंदर, मतलब शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ भाई है, पर केस फ्रॉड का नहीं है। इसलिए जीएसटी में आगे सिर्फ आपके पास क्लाइंट इसलिए आएंगे, यार प्रूव कर दे केस फ्रॉड का नहीं है, प्रूव कर दे केस फ्रॉड का नहीं है, मैं बहुत बच जाऊंगा। अब देखो बताता हूं कितना बचेगा वो बंदा, अगर एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर 2019 का केस, एक मिनट, मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ 18-19, उसका एनुअल रिटर्न कब गया 31 दिसंबर 2019, ऑफिसर ने नोटिस दी 2023 में, नोटिस दी कब बेटा 2023 में, ओके अब समझ लो अगस्त 2023 में नोटिस दी उसने, अब अगस्त 2023 में नोटिस दी उसने तो केस किसका लगा दिया उसने, फ्रॉड का, मेरी बात समझे क्या, फ्रॉड का केस होगा तो ही वो अपना पावर एक्सटेंड कर सकता है, मेरी बात समझा क्या, तो अब उसने फ्रॉड का केस ट्रीट करके केस लगा दिया। अगर आप प्रूव कर दो कि ये केस फ्रॉड का नहीं है, केस टाइम बार्ड, नहीं समझा, केस टाइम बार्ड क्यों, क्योंकि कोर्ट अगर मान ले केस फ्रॉड का नहीं है तो कोर्ट वो नॉर्मल में कन्वर्ट करेगी, और नॉर्मल में कन्वर्ट हुआ तो टाइम बार्ड हो जाएगा, नहीं समझा आप, नॉर्मल में कन्वर्ट हुआ तो केस क्या टाइम बार्ड हो जाएगा, ये बात का ख्याल रखना। तो आगे बहुत केसेस आएगी कि आपको ये प्रूव करना कि केस फ्रॉड का नहीं है, तो बॉस फिर टाइम बार्ड हुआ तो नो टैक्स नो इंटरेस्ट एंड नो पेनाल्टी, सबसे बचा लिया आपने उसको, इज इट क्लियर, यानी 10% पेनाल्टी भी नहीं लगने वाली उसको। ओके तो ये बात का ख्याल रखा जाए। देखो वेयर अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट कंक्लूड दैट नोटिस इश्यूड अंडर 74(1) is not sustainable for reason that charges of fraud or any willful misstatement or suppression of facts to evade the tax has not been established against the person to whom the notice has been issued. Proper officer shall determine the tax payable by such person, deeming if the notice were issued under kya? 7. And a proper officer usko 73(1) ki notice treat kar dega. Agar ab wo 73, lekin mujhe batao, agar case fraud ka hi hai, par wo agar 2020 में ही नोटिस दे देता फ्रॉड का, तो विद इन फिर वो तो नॉर्मल नोटिस के भी टाइम में आ गया, तो फिर नॉर्मल के हिसाब से 10% का पेनल्टी वगैरह लग सकता था, मेरी बात समझे क्या। ओके तो नेक्स्ट यहां पे ऑर्डर ऑन डायरेक्शन ऑफ कोर्ट टू बी इश्यूड विद इन 2 years वेर एनी ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड इन परस्यूएंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल सच ऑर्डर शैल बी इश्यूड विद इन क्या बेटा 2 years मतलब अगर कोई केस कोर्ट में गया और कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि भाई ये ऑर्डर दो, ये ऑर्डर ओके एसएससी को दो, मे बी कि आप केस फ्रेश एडजुडिकेशन करो या फिर ये फैक्ट्स को कंसीडर करके एडजुडिकेशन फिर से करो, ओके और कुछ नए फैक्ट्स को कंसीडर करके आप एडजुडिकेशन फिर से करो, तो 2 साल में वो ऑर्डर फाइनल करनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड, opportunity of hearing shall be granted where request is received in writing from the person chargeable to tax or penalty or where adverse decision is contemplated against such person, मतलब क्या, अगर वो taxpayer ने कहा कि मुझे okay, personal hearing चाहिए तो वो देना जरूरी है। adjournment of hearing, the proper officer shall if sufficient cause being shown by a person chargeable with tax grant a time to visit person and adjourn the hearing for reason to be recorded in writing। कल हमारी बात इसके ऊपर हुई, क्या सर ऐसा हो सकता है नोटिस दिया और दूसरे दिन डिमांड ऑर्डर, ऐसा रेयर ही होगा क्योंकि 75 ये कहता है कि अगर सामने वाले ने हियरिंग मांगा और अपने आप को प्रेजेंटेशन के लिए टाइम मांगा तो वो बाय लॉ कंपलसरी आपको देना जरूरी है, और कुछ जेन्युइन रीजन होगा तो वो एडजॉर्न भी करना जरूरी है।
ओके okay, मतलब ऐसा नहीं होगा मनमानी नहीं कि आज नोटिस दी कल डिमांड ऑर्डर, वो सामने वाले हियरिंग मांग रहा है आपको. इज इट क्लियर? ओके सो नाउ प्रोवाइडेड दैट नो सच एडजॉर्मेंट शैल बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 times टू अ पर्सन ड्यूरिंग क्या प्रोसीडिंग, मतलब 3 से ज्यादा एडजॉर्मेंट आपको नहीं मिलेगी. भाई पहली बार आपकी तबीयत खराब थी इसलिए चलो 1 महीना एडजॉर्न कर दिया आपका रिप्रेजेंटेशन दो, पर 1 महीना दूसरा तीसरी बार पर उससे ज्यादा एडजॉर्मेंट आपको नहीं मिलेगी. स्पीकिंग ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर इन हिज ऑर्डर शैल सेट आउट द रिलेवेंट फैक्ट्स. ओके जब भी ऑर्डर जाएगी बहुत क्लियर फैक्ट्स पे जाएगी एंड बेसिस क्या बेसिस पे डिसीजन लिया गया. ओके ये तो आप भी देखना, अगर हमारे ऑफिसर की ऑर्डर आई तो जरूर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने जरूर देखना कि उसमें प्रॉपर फैक्ट्स दिए गए हैं और ऑफिसर ने ये डिसीजन क्यों लिया उसका भी ग्राउंड्स दिए गए हैं. अगर वो ग्राउंड्स ना मिले या फैक्ट्स ना मिले तो आप ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हो. इज इट क्लियर? उसके बाद में डिमांड ऑर्डर शुड नॉट बी मोर देन टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी स्पेसिफाइड इन द नोटिस. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मतलब कि ये बात का आपको जरूर ख्याल रखना है कि हमारे ऑफिसर का जब भी ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर में जो टैक्स अमाउंट मांगा जाएगा या इंटरेस्ट मांगा जाएगा या पेनल्टी मांगा जाएगा वो शो कॉज नोटिस से ज्यादा नहीं होगा. कम हो सकता है पर ज्यादा नहीं होगा. सर कम क्यों हो सकता है? क्योंकि 3-4 ग्राउंड पे नोटिस दी गई थी उसमें से 1-2 ग्राउंड पे ऑफिसर सेटिस्फाई हुआ, 1-2 ग्राउंड पे ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो कम कर देगा पर ज्यादा नहीं करेगा. इज इट क्लियर? तो ये बात का आप जरूर ध्यान दें. मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर बाय अपीलेट अथॉरिटी वेयर अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल को मॉडिफाई द अमाउंट ऑफ टैक्स डिटरमाइंड बाय प्रॉपर ऑफिसर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी शैल स्टैंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली. हाँ ये बात भी ख्याल रखा जाए. हमारे ऑफिसर के ऑर्डर पे आपने केस फाइल किया, कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने वो टैक्स इधर कम कर दिया होगा या बढ़ा दिया होगा. अगर कम कर दिया होगा तो करस्पॉन्डिंगली पेनल्टी और इंटरेस्ट भी कम कर दिया जाएगा, और कोर्ट ने अगर बढ़ा दिया होगा तो करस्पॉन्डिंगली क्या इंटरेस्ट और पेनल्टी भी बढ़ा दिया जाएगा. तो इस बात का ध्यान आपको रखना है. मैंडेटरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन. Mandatory payment of interest, even though not specified in the notice. Interest on the tax short paid, not paid shall be payable, whether or not specified in the order determining the tax liability. कभी कभी हमारे ऑफिसर से ऐसा हो सकता है कि भाई उसने ऑर्डर में इंटरेस्ट लगाना भूल गया, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना भूल गया. भाई हमारे ऑफिसर यूपीएससी एमपीएससी होके आते हैं, कभी कभी नया ऑफिसर होता है भूल जाता है डिमांड ऑर्डर में इंटरेस्ट अमाउंट लगाना. पर उसने डिमांड ऑर्डर में इंटरेस्ट नहीं लगाया इसका मतलब ये मत समझना कि आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा. आपके ऊपर तो इंटरेस्ट तो लगाया ही जाएगा और आपसे डिमांड किया जाएगा, इंटरेस्ट मैंडेटरी रहेगा. ओके उसके बाद में डिमांड ऑर्डर मस्ट बी विद इन टाइम. जो भी 3 साल या 5 साल हमने टाइम दिया है उसी टाइम में डिमांड ऑर्डर कंक्लूड होनी चाहिए. ओके अगर हमारे ऑफिसर ने डिमांड ऑर्डर 3 साल या 5 साल में नहीं दी तो समझ जाना आप तो बच गए. क्यों ना नोटिस आपके अगेंस्ट में आया होगा. हो सकता है ऐसा कि नोटिस आ गया और डिमांड ऑर्डर आपको 3 साल या 5 साल के अंदर नहीं आए तो फिर ना खुश हो जाओ. एंटरटेनमेंट करो, जमला करो, क्लासिकल या फोक डांस करो. अरे समझ में आया. अब आपके अगेंस्ट में कभी ऑर्डर नहीं आएगी. इज इट क्लियर? उसके बाद में हाँ ये 11 नंबर का पॉइंट मजेदार है. चलो पढ़ता समझाने की कोशिश करता हूं. इन केस ऑफ अपील फाइल बाय डिपार्टमेंट, मतलब ये एग्जाम नहीं पूछेगा, पूछा जाएगा पर वर्ड्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड है इसके. In case of appeal filed by department against the prejudicial decision of appellate authority, appellate tribunal, high court, period between the date of decision of higher authority and that of the lower authority to be excluded. Sir, कुछ नहीं समझा, मुझे भी नहीं समझा, देखते आगे क्या है. ठीक है आगे क्या लिखा आप मेरे साथ पढ़ो. फिर से कह रहा हूं मुझे टीचर मत समझो, हम ग्रुप बना के पढ़ रहे हैं. ओके और आपको भी बताना है, मैं भी पूछूंगा आपको क्या क्या समझा. ओके रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ मैं कुछ समझाने वाला हूं. सिर्फ डम जैसा मत सुनो. हाँ ठीक है अंडरलाइन करना है क्या कर दिया. हाँ और हाँ ठीक है और ठीक है. तो यहां पे
एन इश्यू ऑन विच अपेलेट अथॉरिटी और अपेलेट ट्रिब्यूनल, अपेलेट अथॉरिटी मतलब कमिश्नर अपील, लिखना हो तो लिख देना, कमिश्नर अपील्स, अपेलेट अथॉरिटी मतलब कमिश्नर अपील और अपेलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट हैज गिवन इट्स डिसीजन विच इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, अंडरलाइन द वर्ड प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इन सम अदर प्रोसीडिंग, या अदर प्रोसीडिंग को बादल करना, एंड एन अपील टू अपेलेट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सच डिसीजन ऑफ अपेलेट अथॉरिटी और अपेलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट इज पेंडिंग. The period spent between the date of decision of appellate authority and appellate tribunal, or date of decision of appellate tribunal and high court, or date of decision of high court and supreme court, shall excluded, underline the word shall excluded, in computing the period referred in 73-10 or 74-10, matlab demand order, 73-10 or 74-10 matlab demand order, 73-10 3 years, 74-10 5 years. अब देखो आपकी एक बहुत खराब आदत है, जब पढ़ते पढ़ते ऐसे सेक्शन आते हैं तो आप इतनी भी दिक्कत नहीं उठाते हो कि जाके सेक्शन क्या है वो देखो, आप ये होगा कोई, चल आगे बढ़, होगा होगा कोई, आगे बढ़, ऐसा होता है आपके पास. 73-10 था 3 years और 74-10 था 5 years. ओके, where proceedings are initiated by way of issue of show cause notice under the said section. पहली बात तो कह दूं, ये time period जो है सिर्फ demand order के लिए exclude किया जाएगा, notice के लिए नहीं. मतलब proceeding initiate हो जानी चाहिए. सर कुछ भी नहीं समझा यार. Okay, समझाओ क्या है बताओ, बताओ. हमारे क्लास का एग्जाम्पल मैं टाइम पे बना रहा हूं, जम गया तो ठीक, नहीं तो चुपचाप कंसेप्ट समझ लेना. ठीक है, नाउ मैंने सीए फाइनल में अनाउंस किया, मेरी बैच चालू होने वाली थी समझ लो 1 जून से, और मैंने अनाउंस किया, ध्यान से सुनना, मैंने अनाउंस किया कि जो 1 जून के पहले पेमेंट देकर एडमिशन ले लेगा, मेरा एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल अभी कंपेयर मत करना, मैं ऐसा ही जस्ट तुम्हारे साथ बातचीत कर रहा हूँ, और मैंने अनाउंस किया कि 1 जून के पहले जो भी एडमिशन लेगा उसको 10% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा, एग्जाम्पल है. लेकिन 1 जून के बाद जो एडमिशन लेगा उसको पूरी फीस पे करना पड़ेगा. जनरली हम ये पॉलिसी इंटर के एडमिशन या फाउंडेशन के एडमिशन के लिए यूज करते हैं, फाइनल में नहीं करते. फाइनल में ऐसा है कि आप पढ़ने आते हो, पैसों के लिए नहीं आते हो. हाँ, तो अब ऐसे केस में नहीं, आप मुझे बताओ कि भाई आपको, आपकी मेंटेलिटी बहुत फिक्स होती है कि ये फैकल्टी से पढ़ना है, चाहे फीस फिर 25,000 क्यों ना हो या 20,000 क्यों ना हो. हाँ, तो अब ऐसे केस में ओके, और वही सब्जेक्ट कोई आपको 2,000 में भी ऑफर कर रहा हो और कोई बहुत अच्छा भी ऑफर कर रहा हो, तो ये मेंटेलिटी आपकी फिक्स, आप पैसा नहीं देखते हो और बिल्कुल नहीं देखना चाहिए फाइनल लेवल पर. ओके, ठीक है, फाइनल लेवल पे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए. और मैं आपको फिर से कह देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारी योर लाइफ स्टेक पे होती है, आपका एक अटेम्प्ट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, तो ना अब थोड़ा ये डिस्कशन पे आते हैं. तो मैंने ओके एग्जाम्पल अभी बना रहा था मैं, हाँ 1 जून के पहले, ठीक है 1 जून के पहले आप एडमिशन लोगे. अब क्या हुआ कि समझ लो सुमित 1 जून के पहले, और सुमित ने यहाँ सुनो, सुमित ने चेक दिया. अब सुनो, सुमित ने चेक दिया और ये चेक पे मेरा जो मैनेजर है, नहीं बाउंस तो ले रहा हूँ बाद में बाउंस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ. सुमित ने चेक दिया और मेरे मैनेजर ने ओके, थोड़ा कंफ्यूज था जो एडमिशन के लिए स्टाफ है, वो थोड़ा कंफ्यूज था
कि भाई ये स्कीम चेक को अप्लीकेबल है क्या, हम तो क्योंकि, और चेक दिया पहले 1 जून के लिए पर वो पोस्ट डेटेड दिया, मतलब क्लियर होगा 5 जून की डेट डाल के दिया, पर चेक दिया 1 जून के पहले, मेरा एग्जाम्पल समझ रहा हूं, और सुमित गया और कह रहा है कि भाई मैं चेक जब 1 जून के पहले दे रहा हूं तो मुझे 10% का डिस्काउंट मिलना चाहिए, जबकि पोस्ट डेटेड चेक है और चेक 5 जून का है। अरे है ना, मेरे स्टाफ ने रोक दिया केस, नहीं मेरा सॉरी, मेरा स्टाफ ने बोला रुको समित, मैं हम बात करते हैं, मैं विशाल सर से बात करते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, विशाल सर से बात करते हैं, पर मैं अब यहाँ अवेलेबल नहीं हूँ, तो यहाँ दर्शन सर अवेलेबल है, विजय सर अवेलेबल है, या कोई दूसरी फैकल्टी हमारी जय सर वगैरह अवेलेबल है। तो अब ऐसे केस में सर को पूछ लिया, पर अब ध्यान से सुनना, तो दर्शन सर ने मना कर दिया कि नहीं 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 वो चेक से नहीं चलेगा, वो पोस्ट डेटेड चेक से नहीं चलेगा। जी समझ में आया क्या? ओके, पोस्ट डेटेड चेक से नहीं चलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में मना कर दिया, सुमित मुझे मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है कि सर ओके, तो इन सिंपल वर्ड अब डेट चलेगी 1 जून आ गया, डेट चलेगी और 1 जून आ गया। अब डेट तो जा चुकी, 1 जून आ गया, चेक भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, ओके हमने डिपॉजिट लिया भी नहीं मेरे स्टाफ ने क्योंकि मना हो गया। फिर बाद में मैं आया और मैं उसको अप्रूवल देता हूँ, सुनिएगा मेरा, मैं उसको अप्रूवल देता हूँ, तो फिर सवाल यह है कि मैंने जो अप्रूवल दिया वो 1 जून के बाद दिया, तो उतना पीरियड तो निकल गया, तो ये स्कीम क्या उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी? किसको? सुमित को, 10% वाली। इस एग्जाम्पल के बेस पे अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरे स्टाफ ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया था चेक, ओके सर उसका और इसका क्या कंसर्न है? नो डाउट अगर मैं अप्रूवल देता हूँ तो फिर टाइम पीरियड क्यों ना जा चुका हो, लेकिन ही इज क्या एलिजिबल होना चाहिए। ओके, तो अब सेकेंड एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ कि क्या हुआ, पहले कोई कमिश्नर अपील का डिसीजन, सुनना ध्यान से, कमिश्नर अपील का डिसीजन एसएससी के फेवर में था, एसएससी के फेवर में, एसएससी यहां पे ले लेते कृष्णा, कृष्णा के फेवर में आया डिसीजन, सॉरी काना, तो काना के फेवर में आया, अब कृष्णा काना एक ही है यार, ओके तो काना के फेवर में आया, ओके पर कमिश्नर को अब सेम पॉइंट का एक्शन सुमित के अगेंस्ट में लेना था। अब काना का इमेजिनरी एग्जांपल भी नहीं लेते, प्रैक्टिकल लेता, काना एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहा था, और एग्जम्प्ट सुना, काना एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहा था और उसने रिवर्स चार्ज वाली सर्विस ले लिया था, और रिवर्स चार्ज में उसने पेमेंट ही नहीं किया क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में था और रजिस्ट्रेशन में नहीं लिया, नहीं समझा, तो रिवर्स चार्ज में कोई पेमेंट भी नहीं किया, पहले वाले ऑफिसर ने उसके अगेंस्ट में केस लगाई, पर वो केस ऑफिसर के फेवर में नहीं आई, किसके फेवर में आई? काना के फेवर में आ गई, अपीलेट ट्रिब्यूनल, समझ लो कमिश्नर अपील की केस है, ओके तो काना के फेवर में आई, तो वो ऑफिसर ने वो केस को ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया, कमिश्नर अपील के ऑर्डर को कहां चैलेंज किया? ट्रिब्यूनल में। पहले केस फैक्ट समझे क्या आप? काना के अगेंस्ट में केस लगी कि भाई तूने रिवर्स चार्ज, तू होगा एग्जम्प्टेड वाला पर रिवर्स चार्ज में तूने लिया है, तुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और रिवर्स चार्ज का टैक्स पे करना पड़ेगा, पर कमिश्नर अपील ने केस किसके फेवर में दे दी? काना के, कि नहीं कोई जरूरत नहीं पे करने की। ऑफिसर ने वो केस हायर ऑथोरिटी के पास चैलेंज किए, कहा? ट्रिब्यूनल के पास, और ट्रिब्यूनल के पास वो केस 2 साल से पेंडिंग है, अभी उसका डिसीजन नहीं आया। अब सिमिलर फैक्ट सुमित के साथ हो रहे हैं, सुमित भी एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहा है और रिवर्स चार्ज वाला ले रहा है, पर सुमित फायदा ले रहा है वो कमिश्नर अपील के डिसीजन का, और मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूं, मैं सुमित के अगेंस्ट में केस लगाना चाहता हूं पर मैं रुक गया। क्यों क्यों रुक गया? क्योंकि मेरे कमिश्नर, मेरे ज्यूरिडिक्शन का या अदर ज्यूरिडिक्शन का कमिश्नर अपील ने केस एसएससी के फेवर में दिया, तो मैं रुक गया ऑर्डर देने के लिए, मैं नोटिस दे चुका था सुमित को, नहीं समझा, प्रोसेस नहीं, प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई थी,
नोटिस विद इन टाइम दे चुका था, लेकिन ऑर्डर देने के लिए रुक गया क्योंकि मुझे डर है मैं ऑर्डर दूंगा और अननेसेसरी। अब मैं आपको बता देता हूं, ऑर्डर देने के बाद अगर केस मेरे फेवर में नहीं आया, क्योंकि सुमित चैलेंज करेगा ये बात पक्की है, क्यों चैलेंज करेगा, क्योंकि काना का केस उसके फेवर में आया था तो सुमित चैलेंज करेगा, चैलेंज करेगा तो, और ये भी केस अगर फेवर में सुमित के आया तो गवर्नमेंट का पैसा तो खर्च हो गया ना केस में, नहीं समझ पाया, गवर्नमेंट का टाइम एंगेज हो गया पैसा, तो ऐसे केस में ऑफिसर का डिमोशन होता है अगर वो अननेसेसरी केसेस लगा रहा है, वो अपने फेवर में नहीं ले रहा है तो उसका डिमोशन होता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी कि फिर तूने केस ही क्यों लगाई, गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर दिया तूने, क्योंकि भाई कमिश्नर अपील में जाएगा तो गवर्नमेंट को भी अपना काउंसलर अपॉइंट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट भी उसके ऊपर खर्चा करेगी, समझ रहे हो ना। तो भाई तेरे डिसीजन पे, मेरे ऑफिसर के डिसीजन में गवर्नमेंट खर्चा कर रही है और केस हाथ में आया नहीं, फिर ऑफिसर को पूछा जाएगा जब तेरे को मालूम था कमिश्नर अपील का केस आ चुका है उसके ऊपर में, तूने ऑर्डर क्यों दिया। तो अब ये मैं राह देख रहा हूं काना, अब काना के केस ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है, कमान यार, काना का केस ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है और मैं राह देख रहा हूं, अरे यार रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि मुझे नोटिस तो दे दिया मैंने किसके अगेंस्ट में, सुमित के अगेंस्ट में, पर मैं ऑर्डर नहीं दे रहा, समझे नहीं आप, मैं ऑर्डर नहीं, मैं वेट कर रहा हूं क्योंकि अदर प्रोसीडिंग मैं वेट कर रहा हूं, अब वेट इतना कर रहा हूं क्योंकि 3 साल खत्म हो रहे हैं और अभी तक ट्रिब्यूनल का डिसीजन नहीं आया और शिट 3 साल आज खत्म हो गए और ट्रिब्यूनल का डिसीजन अभी तक नहीं आया, क्या करूं। अब ट्रिब्यूनल का डिसीजन 6 महीने बाद आया, मेरे 3 साल खत्म होने के 6 महीने बाद काना का डिसीजन आया कि नहीं ओके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर मैं सोचो अगर पहले आ जाता तो मैं सुमित को भी नहीं छोड़ता, ये तो टाइम बर्ड हो गया। गवर्नमेंट कहती नहीं टाइम बर्ड नहीं हुआ, गवर्नमेंट कहती है टाइम बर्ड नहीं हुआ। अगर सेम फैक्ट की प्रोसीडिंग हायर कोर्ट के पास पेंडिंग होगी, नहीं समझेगा, हायर कोर्ट के पास पेंडिंग हो और आप उसके वजह से रुके होंगे तो फिर वो जो डिसीजन देने का पीरियड है वो आपके 3 साल या 5 साल के कैलकुलेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब उतना पीरियड, 2 साल लगे ना केस को तो 2 साल तुझे और एक्सटेंशन मिल जाएगा, मेरी बात समझे या नहीं समझे, 2 साल एक्सटेंशन मिल जाएगा। सर आपका वो ऑफिस वाले एग्जांपल से तो यही ज्यादा अच्छा था, तो ये समझ में आया, दैट्स इनफ, वो ऑफिस वाला छोड़ दो, ये समझा ही नहीं समझा। तो ये सेम फॉर, मतलब हाई कोर्ट का डिसीजन काना के फेवर में और वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है और मैं राह देख रहा सुप्रीम कोर्ट केस की, तो सेम मतलब, पर इसमें इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि हायर के पास पेंडिंग होना चाहिए, हायर के पास पेंडिंग होना है और जिसके वजह से मैंने ऑर्डर नहीं दिया इसको 3 साल या 5 साल में, क्योंकि मैं वेट कर रहा, तो फिर मुझे वो टाइम पर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके तो देखो एक बार मैं पढ़ के देखता हूँ समझ में आता, देखो एन इश्यू ऑन विच अपलेट अथॉरिटी या अपलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट हैज गिवन द डिसीजन, मतलब कमिश्नर अपील ने दिया होगा या ट्रिब्यूनल ने दिया होगा या हाई कोर्ट ने दिया होगा, एंड विच इज प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, बताओ काना का डिसीजन काना के फेवर में था और रेवेन्यू के अगेंस्ट में था, समझ में आया क्या, प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इन सम अदर प्रोसीडिंग, मतलब अदर प्रोसीडिंग मैं सेम पॉइंट पे सुमित की केस उठाने वाला था पर डिसीजन अगेंस्ट में है, नहीं समझ में आया, डिसीजन अगेंस्ट में एंड एन अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब देखो सिक्वेंस कैसे लगाना, अगर अपीलेट अथॉरिटी ने डिसीजन दिया होगा तो उसकी अपील ट्रिब्यूनल के पास है, काना की अपील ट्रिब्यूनल के पास पड़ी है, नहीं समझा, अगर डिसीजन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दिया होगा तो किसके पास पड़ी है, हाई कोर्ट के पास, या हाई कोर्ट ने दिया होगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग पड़ी हुई है, ये समझ में आया। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सच डिसीजन, अगेंस्ट सच मतलब काना का जो डिसीजन है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है आगे, सच डिसीजन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट इज पेंडिंग, अंडरलाइन द वर्ड पेंडिंग, पेंडिंग पड़ा हुआ है, द पीरियड स्पेंट, हाँ अब इंपॉर्टेंट है, द पीरियड स्पेंट बिटवीन द डेट ऑफ डिसीजन ऑफ
अपलेट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल और डेट ऑफ डिसीजन अपलेट अथॉरिटी एंड अपलेट ट्रिब्यूनल, मतलब काना का जो कमिश्नर अपील का डिसीजन आया था टिल ट्रिब्यूनल का डिसीजन, इसमें कितने साल लग गया? 2 साल। या फिर अपलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया टिल हाई कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट टिल सुप्रीम कोर्ट, ओके, शैल बी एक्सक्लूडेड इन कॉम्प्यूटिंग द 7310 एंड 7410 वेयर प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड बाय शो कॉज नोटिस। मतलब क्या? मतलब ये कह रहे हैं कि नोटिस दे देना, नोटिस मत रोकना। अगर नोटिस दे दी होगी तो फिर तुम पेंडिंग के लिए रुक सकते हो और ऑर्डर फाइनल करने के लिए उतना पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। पर आप नोटिस देने में फेल हो गए विद इन टाइम, यानी 2 साल 9 महीना या 4 साल 6 महीना, मेरी बात समझे क्या? तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये एक्सक्लूजन ऑर्डर से है, नोटिस से नहीं है। आई होप। तो एक दो बता दो, ऊपर जब हमने कंसेप्ट लिया स्टे का सेक्शन 75 में, स्टे का तो दोनों में से नोटिस एज वेल एज ऑर्डर, पर ये सिर्फ ऑर्डर में से एक्सक्लूजन है। एंड रिकवरी ऑफ सेल्फ पसेस्ड टैक्स नॉटविथस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 73 एंड 74 वेयर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ पसेस्ड टैक्स इन अकॉर्डेंस विद रिटर्न फर्निश अंडर 39 रिमेन्स अनपेड इधर होल्ली और पार्टली और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन सच टैक्स रिमेन्स अनपेड सेम शैल बी रिकवर्ड फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79। मतलब अगर आपने रिटर्न में जितना टैक्स असेस किया है वो टैक्स नहीं दिया या उसका इंटरेस्ट नहीं दिया तो 79, आगे मैं रिकवरी प्रोसीडिंग बताऊंगा, 79 के हिसाब से आपके अगेंस्ट में रिकवरी चालू कर दी जाएगी। ओके, पेनल्टी ओनली वंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार करना। वेयर पेनल्टी इंपोज अंडर सेक्शन 73 एंड 74, नो पेनल्टी शैल बी फॉर द सेम एक्ट और ओमिशन शैल बी इंपोज ऑन द सेम पर्सन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये ध्यान रखना। आगे सेक्शन 122, 123, 124 पेनल्टी के बताऊंगा, वो आपको लगेगा अरे यार सेम पॉइंट पे तो पेनल्टी 73 में भी थी, फिर क्या दो लगेगी? क्या दो नहीं लगेगी। अगर 73, 74 की पेनल्टी लग गई तो फिर वहां बच जाओगे, और यहां नहीं लगेगी तो फिर वहां कवर कर ली जाएगी। इज इट क्लियर? ओके, तो एक ही एक्ट के लिए दो बार पेनल्टी नहीं है। नेक्स्ट, टैक्स कलेक्टेड नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। हाँ, अब इसके लिए थोड़ी भूमिका बनाता हूं, बैकग्राउंड बनाता हूं। बात 2005 की है, मैं सीए बना, रिजल्ट लगा, बड़ा खुश था, शादी नहीं हुई थी, ठीक है, ओके, बड़ी खुशी के दिन चल रहे थे। तो मैंने क्या किया भाई, फाइनल में एक साल से मैंने बहुत पढ़ाई 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 क्लास पढ़ाई क्लास पढ़ाई, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं। फिर सीए, ओके, तो जब रिजल्ट आ गया फिर मैंने सोचा चलो जिम विम लगाते हैं। ओके, तब सर्विस टैक्स था 2005 में, तो मैं देख रहा पेपर में, अब स्टूडेंट लाइफ थी, कहाँ डिस्काउंट है, कहाँ क्या है, कितना कम से कम कहाँ हो सकता है, देख रहे। तो एक भाई जिम का ऐड आया कि भाई अगर आप नया जस्ट स्टार्ट हुआ था, और स्टार्ट हुआ तो जिम का ऐड है कि आप अगर ज्वाइन करोगे तो आपको ओनली 2000 पूरे साल का पे करना पड़ेगा। मतलब बात जम गई कि पूरे साल का 2000। ओके, और सी अभी बना था, कमाई चालू नहीं की थी, ठीक है, तो 2000 रुपये गया। मैं गया और मैंने कहा जिम लगाना है, ओके, तो ठीक है मैं पूरे साल का लेने को रेडी हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है 2000 प्लस सर्विस टैक्स। अब मुझे पता था कि बेसिक एग्जम्पशन है 10 लाख का, और ये अभी अभी चालू हुआ है, मतलब प्रीसीडिंग ईयर का इसका 0 होगा, तो ये 10 लाख का तो एग्जम्पशन लेगा, और आज ही इसका ओपनिंग डेट है, मैं आज ही आया हूं, तो अभी के अभी 10 लाख थोड़ी हुआ होगा। तो मैंने कहा ठीक है प्लस सर्विस टैक्स। मैंने जब बिल देखा मैंने कहा तुम्हारा सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है इसके ऊपर। तो रिसेप्शन में मुझे कहा गया कि नहीं वो हमको टैक्स देना पड़ता है। मैंने कहा भाई टैक्स देना पड़ता बात ठीक है, पर बिल पे सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आप सर्विस टैक्स लगा रहे हो, मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर, चलो बिल पे नहीं होगा, नया नया ओपनिंग है, ये तो बताओ आपकी आरसी, बताओ आरसी का फोटो लगाओ।
बताओ कहाँ पे है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मैं देखो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरा सब्जेक्ट ये, मैं बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरा ये, आप बताओ। तो अब बिल मेरे हाथ में आ गया था। फिर मैंने कहा कि देखो अगर आप मुझे नहीं बताओगे रजिस्ट्रेशन नंबर तो सीधा सीधा ये बिल लेके मैं डिपार्टमेंट में जाऊँगा और कंज्यूमर कोर्ट में भी जाऊँगा और कहूँगा मेरे से एक्सेस टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, मेरे से एक्सेस कलेक्ट टैक्स किया जा रहा है। तो डर गए, एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें से धमकी ओके कि मैं सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में जाऊँगा और कंज्यूमर कोर्ट में भी जाऊँगा ओके। तो अब ऐसे केस में क्या करना, तो उन्होंने मैनेजर को बुलाया और कहा कि भाई सर वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कह रहे हैं सर्विस टैक्स का, नहीं तो हम डिपार्टमेंट में जाएंगे कंप्लेन फाइल करूँगा। मुझे अंदर बुलाया गया तो मैंने मुझे अंदर बुलाया गया, मैंने पूछा कि भाई, मैंने कहा आप सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मैंने कहा सर वो सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लेना बाकी है हमारा और हम सर्विस टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। मैंने नहीं आप एग्जम्पशन में हो, आप एग्जम्पशन में होने के बाद भी हमको बेवकूफ़ बना रहे हो, हमारे से टैक्स ले रहे हो, हमें ये भी पता आप दोगे नहीं, ये बिल बुक फाड़ के फेंक दोगे और हमारे से टैक्स कलेक्ट कर लोगे, तो नहीं मैं तो ये बिल अब दूंगा नहीं, अब ये बिल तो दूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। आधी घंटा समझाना, नहीं सर ऐसा नहीं 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 आपके पास आरसी नहीं है। आधी घंटे बाद उसने कहा देखो सर हाँ ठीक है हमने आपसे टैक्स लिया पर सर वो बिल दे दो, छोड़ो छोटी सी बात है 2000 रुपये अमाउंट उसकी जी, मतलब तुम्हारे लिए छोटी है मेरे लिए 2000 बहुत बड़ा है भाई ओके मैं तो नहीं करूँगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा सर चलो आपको फ्री देते हैं सर आपको टोटली फ्री देते हैं, आप सिर्फ वो बिल वापस कर दो। मैंने कहा ऐसे कैसे बिल वापस सर, फ्री 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 पूरे साल भर फ्री, सिर्फ बिल वापस कर दो। फिर मेरे को पता तो 2000 के लिए डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं करेगा ओके डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं करेगा। मैंने ठीक है वापस लो, नेक्स्ट टाइम से नहीं करना है ऐसा। हाँ तो इन सिंपल वर्ड, नहीं नहीं ये एग्जांपल लास्ट वाला एग्जांपल है। तो इन शॉर्ट मेरा बस इससे कहना है कि ये सेक्शन कहता है किसी भी पर्सन ने अपने कस्टमर से एक्सेस टैक्स कलेक्ट नहीं करना चाहिए जिसके लिए वो लायबल, और अगर उसने एक्सेस टैक्स ले लिया तो इट मस्ट बी डिपॉजिटेड टू क्या बेटा गॉड, आइदर यू मस्ट हैव टू रिफंड या डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट। चलो फटाफट पढ़ लेते हैं यहां पे। नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंट्री कंटिन्यू एनी ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट और एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड द रेंडर ऑन एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग फोर्स। अभी तक चार लाइन कचरा थी, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ओके मतलब एग्जाम में लिखने वैसे वैसे प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में कुछ नहीं सर। पर बता तो क्या है, ये था कि इसके पहले एक्साइज में वैट में सर्विस टैक्स में कोर्ट ने कुछ भी डिसीजन दिए गए हो वो सभी डिसीजन को बाजू में रखते हुए अब हम जो कहने जा रहे हैं वही होगा। अरे है ना, तो हम जो करने जा रहे हैं वही होगा क्या, एवरी पर्सन हु हैज कलेक्टेड फ्रॉम एनी अदर पर्सन एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग टैक्स, अगर किसी भी पर्सन ने किसी दूसरे से कोई भी अमाउंट कलेक्ट किया जो जीएसटी के नाम से कलेक्ट किया गया अंडर दिस एक्ट एंड हैज नॉट पेड द सेड अमाउंट टू द गवर्नमेंट, और वो पैसा गवर्नमेंट को नहीं दिया बस खुद ही कलेक्ट करके रख लिया, शैल फॉरविद पे द सेड अमाउंट टू द गवर्नमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर सप्लाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच अमाउंट वॉज कलेक्टेड इज टैक्सेबल आर नॉट। ये समझा क्या, मतलब आपने जीएसटी का पैसा लिया ना गवर्नमेंट को दो, फिर आप एग्जम्पशन में हो, थ्रेशोल्ड में हो, इसमें हो, उसमें हो, नील रेट में हो, उससे हमारा लेना देना नहीं है। तुमने टैक्स लिया ना यू मस्ट फॉरविथ, ये फॉरविथ ये वर्ड बड़ा अच्छा है, और चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना, मतलब इमीजिएट लाइबिलिटी क्रिएट होगी, इमीजिएट लाइबिलिटी क्रिएट होगी ओके। तो अगर नहीं दिया मैंने
जा, नहीं दे तो फॉर विथ, तो गवर्नमेंट कहेगी आपके अगेंस्ट में क्या आएगी नोटिस। एक छोटा सा क्वेश्चन एक्सरसाइज में पूछा था और मैं इसमें स्पेसिफाई द केसेस व्हेन शो कॉज नोटिस शैल बी इश्यूड, बता कौन कौन सी केसेस है जहां शो कॉज नोटिस आती है। नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, इरोनियस रिफंड, रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, रॉन्गली यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, वो तो है ही, प्लस दिस वन, एनी अमाउंट कलेक्टेड एज अ टैक्स बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। अच्छा ये शॉर्ट पेमेंट मतलब ये बेटा शॉर्ट कलेक्ट किया गया या कलेक्ट करके नहीं दिया गया? कलेक्ट करके नहीं दिया, कलेक्ट किया पर गवर्नमेंट को नहीं दिया। तो ऐसे केस में वेयर एनी अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू द गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 व्हिच हैज नॉट बीन सो पेड, प्रॉपर ऑफिसर मे सर्व ऑन पर्सन लायबल टू पे सच अमाउंट अ नोटिस रिक्वायरिंग हिम शो कॉज, व्हाई द सेड अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस शुड नॉट बी पेड टू द गवर्नमेंट एंड व्हाई पेनल्टी इक्विवेलेंट, पेनल्टी भी लगी क्या? पेनल्टी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस शुड नॉट बी इम्पोज, मतलब जितना अमाउंट आपसे कलेक्ट करना है उसका 100% पेनल्टी भी लगाया जाएगा। लिख दो वहां पे, दैट इज 100% पेनल्टी, दैट इज 100% पेनल्टी लगाया जाएगा। डिमांड ऑर्डर, प्रॉपर ऑफिसर शैल आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी मेड बाय पर्सन ऑन होम द नोटिस इज सर्व अंडर सबसेक्शन 2 डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ड्यू फ्रॉम सच पर्सन एंड देयर अपॉन सच पर्सन शैल पे द अमाउंट, उसके अगेंस्ट में डिमांड ऑर्डर भी आएगी, वो पर्सन को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट 18% पर एनम और आईटीसी का केस होगा तो 24% पीरियड फ्रॉम द डेट, अंडरलाइन सच अमाउंट वॉज कलेक्टेड बाई हिम टू द डेट एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड दिया जाएगा। शो कॉज नोटिस सॉरी ऑर्डर, ऑर्डर जिको 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस। हाँ अब ध्यान सुनना, यहाँ नोटिस का टाइम पीरियड नहीं है, मतलब इतने दिन में नोटिस चले जानी चाहिए ना, उतने दिन में नोटिस चले जानी चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट कमेंट स्टूडेंट नोट में लिखना हो तो लिख देना, अंडर सेक्शन 76 देयर इज नो टाइम पीरियड फॉर। ओके पहले तो ये लिख लेना, ये जब सेक्शन पढ़ने जाओगे आप लेट कि सर ने अपने जिम का एग्जाम्पल दिया था, याद आ जाएगा आपको, आपने एक्सेस टैक्स कलेक्ट किया है, आपने एक्सेस टैक्स कलेक्ट किया है। दूसरा, यहां नोटिस का कोई टाइम पीरियड नहीं है, देयर इज नो टाइम पीरियड फॉर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन ऑर्डर का टाइम पीरियड है। बताओ ऑर्डर कितने दिन में जानी चाहिए? अरे बोलो ना, ऑर्डर मस्ट बी विद इन 1 ईयर फ्रॉम SCN। Within 1 year from SCN, ये समझ रहे हो आप? हाँ या ना? ठीक है, within 1 year from SCN, stay period होगा तो exclude किया जाएगा order के लिए, और speaking order सभी relevant facts और direction होने चाहिए। Amount adjusted, अब amount adjusted मतलब क्या? मतलब ऐसा होगा कि आपका goods 12% का है और आपने उससे कितने ले लिए? 18, तो आपको गवर्नमेंट को पूरे पे करने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? 18 में से 12 तो आपका टैक्स ही था, अरे है ना, क्योंकि 12 तो एक्चुअल टैक्स था, रिमेनिंग 6% जो है वो 6% किसी का, अगर जिसने एक्स्ट्रा दिया वो ट्रेसेबल होगा तो उसको दिया जाएगा, नहीं तो पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ट्रांसफर, तो गवर्नमेंट भी नहीं रखेगी, गवर्नमेंट भी कहती है पाप है किसी का एक्स्ट्रा पैसा रखना, तो गवर्नमेंट उसको किस में डाल देगी बेटा? वेलफेयर फंड में डाल देगी। नहीं समझे आप? हाँ बोलो फिर, समझ गए ना? गवर्नमेंट भी कहती है कि हम नहीं रखेंगे बाबा, जो टैक्स है उतना ही एडजस्ट करेंगे, ऊपर का पैसा पाप है, हम एक तो कस्टमर को दे देंगे जिसने बेयर किया ट्रेसेबल, नहीं तो हम कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ट्रांसफर कर देंगे। चलो नेक्स्ट सेक्शन 77, दो हो गया, हो गया, हो गया, आंखें बंद करो, हो गया, ब्रेक देता हूं, हो गया। हाँ अगर ये, अरे सुन तो लो 2 मिनट, तो अगर आपने आपके ऊपर देखो रजिस्टर पर्सन हु हैज पेड CGST SGST और CGST UTGST ऑन अ ट्रांजेक्शन कंसिडर्ड बाय हिम टू बी एन इंट्रास्टेट एंड बट सब्सिक्वेंटली इट इज हेल्ड टू बी इंट्रास्टेट, मतलब
उसने इंट्रा मान के सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया और बाद में डिपार्टमेंट की नोटिस है, और बहुत फर्क पड़ जाता है। तुमने इंट्रा माना तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र में इंट्रा माना तो वो रेवेन्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चले गया, और एक्चुअली वो है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट होने की वजह से उसका 50% रेवेन्यू कस्टमर, सॉरी हाँ बायर स्टेट का है। तो ये एक्शन आगे बहुत होगी आपके अगेंस्ट में, ये बात समझ में नहीं है। तो अब सब्सिक्वेंटली वो इंटरस्टेट हो गया, तो इट शैल बी रिफंडेड द अमाउंट ऑफ टैक्सेस सो पेड इन सच अ मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब ये हुआ कि आपको ओरिजिनल टैक्स जो है सीजीएसटी एसजीएसटी रिफंड कर दिया जाएगा, और आपको अलग से आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। एंड रजिस्टर पर्सन हु हैज पेड इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन अ ट्रांजैक्शन कंसीडर्ड बाय इंटरस्टेट सप्लायर व्हिच इज सब्सिक्वेंटली इंट्रास्टेट सप्लायर शैल नॉट रिक्वायर टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स। मतलब कुछ नहीं होगा, आपको जो पुराना टैक्स है वो दे दिया जाएगा और नया टैक्स आपसे कलेक्ट कर लिया जाएगा। ओके हाँ, पर ये देने लेने में इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा क्योंकि आपने टैक्स दिए थे पहले। ओके तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके अगर ऑफिस में ये बात निकली तो इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ पैसा लेना देना होगा। इज इट क्लियर? ओके सर एडजस्ट नहीं होगा क्या? एडजस्ट नहीं होगा, आपको सीजीएसटी एसजीएसटी के रिफंड ही क्लेम करने पड़ेंगे और आपको आईजीएसटी देना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो आपको आईजीएसटी देना ही पड़ेगा। चलो यहां हम रुकते हैं, टेक अ ब्रेक, रिमेनिंग आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
हाँ, नेक्स्ट सेक्शन रिकवरी प्रोसीडिंग। चलो आपके अगेंस्ट में नोटिस आ गई, उसके बाद में यहाँ डिमांड ऑर्डर आ गई, उसके बाद में क्या? हाँ ठीक है, नोटिस आई। अब इमेजिन करो दो सेकंड के लिए कि नीचे एक ठेला वाला है, बड़ा पाव सेल कर रहा है और प्रेस्टीज पॉइंट के नीचे है, तो ऑब्वियसली उसका टर्न और 20 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। तो बड़ा पाव वाला बड़ा पाव सेल कर रहा है, अब 20 लाख से ज़्यादा टर्न और होगा क्योंकि वो बना के दे रहा है, इसलिए वो सर्विस में जाता है रैदर देन सेल ऑफ गुड्स, रेस्टोरेंट सर्विस में जाता है। 20 लाख का उसको यहाँ पे लिमिट मिला, उसकी ज़्यादा ही टर्न और है, नहीं दे रहा है GST। एक ऑफिसर वहाँ वड़ा पाव खाने गया, समझ उसने दिन भर देखा कि अरे बाप रे, इसका तो टर्न और 20 लाख से, मतलब जस्ट समरी असेसमेंट किया उसका, समरी असेसमेंट। अच्छा नहीं भूल भूल जाओ, भूलना अच्छी बात है, आदमी जब भूलता है तो उसको समझ में आता है कि पढ़ना पड़ेगा, फिर अगर नहीं भूले तो डेंजरस है। खाली ग्लास कभी भी पानी भरते आता है, भरी हुई ग्लास काम की नहीं है। तो ऐसे केस में वो समरी असेसमेंट किया, उसने खड़ा हो गया ठेले के बाहर, दिन भर देखा एक स्टूडेंट दो स्टूडेंट, दिन के 500 स्टूडेंट आ रहे वड़ा पाव खा के जा रहे, और कोई इसने असेसमेंट नहीं किया, उसने अपना समरी बना के ऑर्डर, वो बात अलग है कि ऑर्डर बाद में विड्रॉ कर लिया और 73-4 का केस लगा रहा है, जाने तो मुझे उसमें नहीं जाना है, हम आते हैं। समझ लो उसने नहीं दिया, कोई पेमेंट नहीं किया, हमने उसको नोटिस दे दी 74 में, डिमांड ऑर्डर दे दी 74 में। अच्छा उसको वड़ा पाव वाले के वो नोटिस आई, उसको कुछ समझा नहीं, उस पर वड़ा पाव दे दिया, ओके उस पर वड़ा पाव सर्व कर दिया, ओके फिर डिमांड ऑर्डर तो ऑफिसर ने दिया, और नोटिस भी बहुत अच्छा दिया उसके अगेंस्ट में, शो कॉज व्हाई नॉट टू इम्पोज GST ऑन वड़ा पाव विद इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन। उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो ठेले वाला है, उसने लिया वड़ा पाव दे दिया, उसके बाद में डिमांड ऑर्डर किया। अब क्या ऑफिसर करेगा क्या? तो फिर रिकवरी प्रोसीडिंग कैसे होगी? ये बहुत मैंने बेसिक एग्जांपल लिया, पर हाँ रिकवरी प्रोसीडिंग कैसे होगी, तो देखो अमाउंट पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन इन परस्यूएंस ऑफ ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड बाय सच पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। मतलब जिस दिन ऑर्डर आया वहां से 3 महीने में दे दो भाई, ओके नहीं तो रिकवरी स्टार्ट करेंगे। तो जो भी अमाउंट पेबल आया, मे बी अंडर 73, 74 या 76 की केस लगी होगी, एक्सेस कलेक्शन ऑफ टैक्स, तो आपको 3 महीने में देना पड़ेगा। Provided that where proper officer considered it expedient in the interest of revenue, he may by reason to be recorded in writing require the say taxable person to make such payment within such period less than 3 months. हो सकता है कि उसको ऐसा लग रहा है कि अगर वड़ा पाव वाले पे डिमांड ऑर्डर दिया, वो 2-3 दिन में ठेला लेके भाग जाएगा, वापस दिखेगा भी नहीं, अरे है ना, ओके तो ऐसे सिचुएशन में उसको डर है कि 3 महीना बहुत टाइम दे रहा हूँ मैं डिमांड ऑर्डर से पैसा देने के लिए, ओके तो हो सकता है कि उसको कम पीरियड यहाँ पे दे। तो ऐसे सिचुएशन में पर वो रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। मोड ऑफ रिकवरी, मोड्स ऑफ रिकवरी बहुत बड़ा, 2-3 पेजेस के इन्होंने स्टेप्स दिए, फॉर्म्स दिए हैं, प्रोसीजर दिए हैं, पर एग्ज़ाम के हिसाब से आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में और थोड़ा समरी में मैं लिखवा के देता हूँ, कुछ 7-8 पॉइंट्स में ही सेक्शन 79 आप एग्ज़ाम के हिसाब से याद रखिएगा, ओके तो उतना ही अगर सेक्शन 79 जो है, जैसा डिमांड एंड रिकवरी हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया, लेकिन इसमें ये जो सेक्शन है, जैसे मैंने कहा था कि जितने मैं अभी पॉइंट्स लिखवा के दे रहा हूँ उतने ही पॉइंट्स आपने याद रखिएगा एग्जाम के हिसाब से, मोर देन इनफ, बाकी जो लीगल लैंग्वेज है और रूल्स है इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो प्रोसीजर है उसकी भी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो तो थोड़ा ये सभी पॉइंट्स लिख लीजिएगा। सेक्शन 78 उसके पहले जो इनिशिएट द रिकवरी प्रोसीडिंग, ठीक है उसके नीचे स्पेस अवेलेबल होगा तो वहां लिख देना समरी ऑफ सेक्शन 79
मोड्स ऑफ रिकवरी, बस इतना ही आपको पढ़ के जाना है, मोड्स ऑफ रिकवरी, डन, मोड्स ऑफ रिकवरी, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर वन, सॉरी पॉइंट नंबर वन नहीं, पहले लिखो यहां पे, बस पॉइंट लिखते जाओ और मैं अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला, प्रॉपर ऑफिसर मे रिकवर द ड्यूज अंडर सेक्शन 79 in following manner. First, reduction of dues from the amount reduction of dues from the amount of refund from the amount of refund if any from the amount of refund if any payable by tax authorities if any payable by tax authorities to ye पहला मेथड है कि अगर आपके कोई रिफंड निकलते हैं और आपके पुराने ड्यूज बाकी है, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है वो रिफंड में से आपका अमाउंट डिडक्ट कर देगी। ओके, दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ रिकवरी, सिंपल वर्ड्स में लिखा के दिया। सेकंड लिखो, रिकवरी बाय वे ऑफ डिटेनिंग डिटेनिंग एंड सेलिंग एनी गुड्स डिटेनिंग एंड सेलिंग एनी गुड्स बिलोंगिंग टू सच पर्सन डिटेनिंग एंड सेलिंग एनी गुड्स बिलोंगिंग टू सच पर्सन एक ये भी मोड़ है कि आपका पूरा सब गुड्स जब्त कर लेना, डिटेन कर लेना और उसे सेल कर देना, तो डिटेनिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू सच पर्सन। थर्ड मोड ऑफ रिकवरी लिखो, रिकवरी फ्रॉम थर्ड पर्सन From whom money is due or may become due to such person मतलब जिसके ऊपर केस लगा है, डिमांड है। I repeat, from whom money is due or may become due to such person, or continuity में लिखना, और recovery from person who holds holds or may subsequently hold money for such person.
इसका मीनिंग ये है थर्ड का कि अगर जो पर्सन के अगेंस्ट में डिमांड है वो पर्सन के पास पैसा आने वाला है और वो पैसा किसी थर्ड पार्टी के पास आने वाला है, उसके पास ड्यू होने वाला है. फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस का पैसा है, एग्जांपल लिख सकते हो इंश्योरेंस कंपनी या बैंक की एफडी रिलीज होने वाली है, तो अगर किसी थर्ड पर्सन के पास उसका पैसा जो है ड्यू होने वाला है या बैंक के पास ड्यू होने वाला है या बैंक ने होल्ड करके रखा है, तो हमारे ऑफिसर इंश्योरेंस कंपनी या बैंक कंपनी से डायरेक्ट रिकवरी कर सकते हैं. ओके, इसका ये एग्जांपल है. नाउ फोर्थ, डिटेन और सीज एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन अंटिल अमाउंट इज पेड and if the dues are not paid within 30 days then the said property is to be sold and amount payable including cost of sale will be recovered from sale proceeds. And balance is refundable. थोड़ा मैंने एक प्रोसीजर कंटिन्यूटी में लिया, इसलिए बहुत बार एंड आ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये बताता हूं कि फोर्थ मोड ऑफ रिकवरी, इसमें आपकी जो भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी कार, आपका बंगलो, आपका हाउस, जो जो भी मिलता है वो सब कुछ डिटेन या सीज कर लिया जाएगा. और ये सब कुछ डिटेन और सीज करके कि गवर्नमेंट वेट करेगी 30 दिन तक. अगर 30 दिन में आपने नहीं दिया तो गवर्नमेंट उसको सेल करके पैसा रिकवर कर लेगी. अरे आपका बंगलो तो 30 करोड़ का था, 40 करोड़ का था, ड्यू समझ लो 2 करोड़ का ही है, तो कोई बात नहीं है, 2 करोड़ काट के और कॉस्ट ऑफ सेल डिडक्ट करके बाकी जो बचेगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, वो आपको पूरे ढंग से रिफंड कर दिया जाएगा. ओके, डोंट बॉदर फॉर दैट. नाउ फिफ्थ लिखो, ऑफिसर विल प्रिपेयर सर्टिफिकेट ऑफ ड्यूज एंड सेंड इट टू द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन विच सच पर्सन ओन एनी प्रॉपर्टी
और रिसाइट्स और रिसाइट्स और कैरीज द बिजनेस और कैरीज द बिजनेस एंड एंड कलेक्टर एंड द कलेक्टर विल रिकवर सच अमाउंट एंड द कलेक्टर विल रिकवर सच अमाउंट एज अ अरियस ऑफ लैंड रेवेन्यू एज अ अरियस ऑफ लैंड रेवेन्यू एज अ अरियस ऑफ लैंड रेवेन्यू. ये प्रोसीजर ऐसा है कि भाई चलो ऊपर वाले ऑप्शन जो है नहीं जम रहे या नहीं करना है तो सीधा सीधा कितने ड्यूज है उसके सर्टिफिकेट बनाओ और जितने ड्यूज है उसके सर्टिफिकेट बना के वो कलेक्टर को भेज दो, जहाँ उसकी प्रॉपर्टी है या जहाँ उसका बिजनेस है या जहाँ वो रहता है उसको भेज दो. और उसको भेजने के बाद जो है बेटा यहाँ पे हाँ ओके, उसको भेजने के बाद जो है वो कलेक्टर उससे रिकवर करेगा एज अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू. वो कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि कलेक्टर उससे रिकवर करेगा. नाउ नेक्स्ट सिक्स नंबर, बाय मेकिंग एप्लीकेशन, सिक्स नंबर, बाय मेकिंग एप्लीकेशन टू एप्रोप्रिएट मैजिस्ट्रेट टू एप्रोप्रिएट मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट who in turn shall proceed to recover the amount recover the amount as if it was a fine, as if it was a fine imposed by him, as if it was a fine imposed by him और ये तो अगर कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के पास भी नहीं जाना है तो आप मैजिस्ट्रेट के पास जाओ और मैजिस्ट्रेट ठीक है वो भी रिकवर कर सकता है एज अ फाइन. और लास्ट सेवंथ नंबर लिखो, बाय एनफोर्सिंग बॉन्ड or instrument executed under this act or rules or regulation executed under this act rules or regulation. और लास्ट मोड ऑफ रिकवरी जो है कि अगर आपने कोई बॉन्ड दिया होगा या कोई इंस्ट्रूमेंट दिया होगा तो उससे रिलीज कर लिया जाएगा. तो ये अलग अलग मोड ऑफ रिकवरी था, एक बार रिवाइज कर लेता हूँ. आपका कोई रिफंड होगा तो उससे डिडक्ट हो जाएगा, आपकी गुड्स जो है वो सेल किए जाएंगे, या फिर ओके थर्ड पर्सन के पास आपके ड्यूज हो गए तो उससे रिकवर कर लिया जाएगा, या फिर आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ओके उसको बेच के ओके रिकवर कर लिया जाएगा, या फिर कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को जो है ओके सर्टिफिकेट भेज के रिकवर किया जाएगा, या मैजिस्ट्रेट को सर्टिफिकेट भेज के रिकवर किया जाएगा, या फिर जो है आपने कोई बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट दिया हो तो बॉन्ड और इंस्ट्रूमेंट से रिकवर कर लिया जाएगा. तो ये अलग अलग मोड ऑफ रिकवरी है ओके यहाँ पे हमने देखा. तो बेटा जस्ट मैं इतने बताना चाहूँगा कि ये मोड ऑफ रिकवरी इतना ही एग्जाम में पढ़ के जाना, बाकी प्रोसीजर वगैरह आपको टाइम रहा तो पढ़ लेना, अदरवाइज कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी प्रोसीजर है वो आपको याद भी नहीं रहना है. ये सिंपल वे में मैंने मोड ऑफ रिकवरी जो है ओके यहाँ पे बना के दिया है. ठीक है बेटा, तो ये था सेक्शन 79. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 81.
where a person after any amount has become due from him, create charge on the part of with the property belonging to him or in his possession, by way of sale, mortgage, exchange or any other mode of transfer whatsoever, or any of his property in favor of other person, with intention, underline, with the intention of defrauding the government revenue, such charge transfer shall be void against any claim in respect of any tax and other sum payable by the said person. मतलब अब आपको पता चल गया कि भाई आपके अगेंस्ट में नोटिस आने वाली है. अच्छा, नोटिस आ गई आपके अगेंस्ट में, डिमांड ऑर्डर वगैरह आने वाली है, या डिमांड ऑर्डर आ गई आपके अगेंस्ट में और आप पैसा नहीं दे रहे हो. आपने क्या किया, आपकी जो भी प्रॉपर्टी किसी को बेच बाच कर या आपने लीगल हेयर को ट्रांसफर करके, रिलेटिव को ट्रांसफर करके, गायब, दुबई, यहां हो ही नहीं, ओके, और गायब हो गए. तो या आपने डिमांड ऑर्डर आने के बाद या नोटिस आने के बाद कोई प्रॉपर्टी सेल, मॉर्गेज, एक्सचेंज या किसी को भी दे दी होगी, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट उसमें क्लियर इंटेंशन था टू डिफ्रॉड क्या, गवर्नमेंट. तो वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट आपके वॉइड माने जाएंगे फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स. मतलब ओके, वो किसी के पास भी प्रॉपर्टी होगी तो भी उससे रिकवर किया जाएगा. पर हाँ, एक लाइन डाली है कि जिस आपने जो ट्रांसफर किया उसमें क्लियर इंटेंशन था टू क्या, डिफॉल्ट द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को आपको बेवकूफ बनाना था, फ्रॉड करना था, वो इंटेंशन था, तो फिर आपके सभी किए हुए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माने जाएंगे. ओके, प्रोवाइडेड दैट सच चार्ज ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइड इफ इट इज मेड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन. लेकिन आपने किसी को अपनी प्रॉपर्टी बेची फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, पैसा पूरा आपको मिला, आपके अकाउंट में आया, सामने वाली पार्टी ने भी पब्लिक नोटिस दी थी, ओके, मतलब एडिक्वेट कंसिडरेशन इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ पेंडेंसी ऑफ सच प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट और विदाउट नोटिस ऑफ सच टैक्स और अदर सम पेएबल बाय सेड पर्सन और विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर. मतलब क्या, आपको पता ही नहीं कि आपके अगेंस्ट में नोटिस आई और आपने बेच दिया, या फिर आपने ऑफिसर की परमिशन लिया कि सर मैं बेच रहा हूं और इससे पैसा आएगा, मैं पूरा आपका पैसा दे दूंगा, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं माने जाएंगे. सेक्शन 82, टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग टू द कॉन्ट्री कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर टाइम इन फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So otherwise provided in Insolvency and Bankruptcy Code 2016, amount payable by taxable person or any other person on account of tax interest penalty which he is liable to pay to government shall be first charged on the property of such taxable person or such person. मतलब क्या, अगर GST की कोई केस लगती है और amount due payable आता है तो वो केस में यहां पे जीएसटी का चार्ज प्रायोरिटी चार्ज माना जाएगा. मतलब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा ओके जो भी है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं टैक्स नहीं देता हूं, मैं पहले अनसिक्योर्ड लोन को खत्म करता हूं, फिर इनकम टैक्स के इसको खत्म करता हूं और फिर कुछ बचा तो जीएसटी डिपार्टमेंट को दूंगा. नहीं, ओके, जीएसटी आपके आपके पास जितना भी पैसा रहेगा इंसॉल्वेंसी के केस में, फर्स्ट चार्ज किसका माना जाएगा, जीएसटी कलेक्शन का माना जाएगा. अरे आए ना, पहले पैसा आप जीएसटी के दो, एक्सेप्ट सेव बाय इंसॉल्वेंसी एंड क्या, बैंकरप्टसी कोड 2016. हाँ, पर उसमें अगर प्रायोरिटी कोई अदर क्लेम होगा तो वो लगेगा, अदरवाइज जीएसटी का क्लेम प्रायोरिटी क्लेम माना जाएगा. उसके बाद में प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस वेयर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ बेस जजमेंट सेक्शन 62, बेस जजमेंट अंडर सेक्शन 63. कुछ याद आता है 62 किसका बेस जजमेंट है, हाँ, नॉन फिलर्स का, और 63 अनरजिस्टर्ड, या समरी असेसमेंट, या इंस्पेक्शन सर्च 67, या 73 और 74. इतनी केसेस आपके अगेंस्ट में केसेस पेंडिंग है. मतलब असेसमेंट की केस पेंडिंग है या एक्चुअल नोटिस की केस पेंडिंग है 73-74 की, और ऑफिसर को डाउट है कि ये भाग जाएगा, ये जो बंदा है ये भाग जाएगा प्रॉपर्टी बेच बाज के. मतलब अभी तक हो सकता है नोटिस आपके अगेंस्ट में नहीं लगी, सिर्फ असेसमेंट चालू है, स्क्रूटिनी चालू है, बेस जजमेंट चालू है, और ऑफिसर को डाउट है कि ये भागेगा. ओके, तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, फिर उसकी कार है, बाइक है, मूवेबल है, इमूवेबल है, जो भी है, प्रोविजनली अटैच कर ली जाएगी जब तक केस कंक्लूड
नहीं होती है. तो देखो, द कमिश्नर इज ऑफ ओपिनियन दैट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इट इज नेसेसरी सो टू डू ही मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग अंडरलाइन अटैच प्रोविजनली एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट, उसका बैंक अकाउंट भी अटैच कर लिया जाएगा, बिलोंगिंग टू टैक्सेबल पर्सन इन सच ए मैनर एस में बी प्रिस्क्राइब. नीचे रूल्स दिया है वो रूल्स फॉलो करने पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपकी प्रॉपर्टी अटैच किया जाएगा. ओके, उसके बाद में एवरी सच प्रोविजनल अटैचमेंट शाल अंडरलाइन सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. हाँ, लेकिन ये प्रोविजनल अटैचमेंट एक साल तक ही रहेगा, मतलब एक साल के अंदर अंदर केस को कंक्लूड करना पड़ेगा. ओके, एक साल तक ही प्रोविजनल अटैचमेंट रहेगा. उसके बाद में प्रायोरिटी भी, किस तरह से प्रोविजनल अटैचमेंट होगा, क्या फॉर्म हो गए, एग्जाम में नहीं पूछेगा मेरी गारंटी है, आपने रीड कर लेना है अगर आपको टाइम मिला तो. ओके, यहां पे डायरेक्ट आ जाओ सेक्शन 84 पे. ये चैप्टर के जो मेन चार सेक्शंस थे और रिकवरी पे जितना मैं लिखा के दूंगा उतना ही इंपॉर्टेंट है. एक था 73 जो हमने बहुत टाइम लेके पढ़ा, 74, 75 कुछ बातों का आपने यानी ऑफिसर ध्यान रखेगा, 76 एक्सेस कलेक्शन ऑफ टैक्स, 77 रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स IGST CGST SGST कुछ याद आया ना, और 78 79 वगैरह जो है ये रिकवरी प्रोसीडिंग थी, बाकी तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं. लास्ट वाला भी प्रायोरिटी बी में रखना, कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ सर्टन रिकवरी प्रोसीडिंग वेयर अ नोटिस एनी नोटिस ऑफ डिमांड इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज इज सर्व अपॉन एनी टैक्सेबल पर्सन और एनी अदर पर्सन एंड अपील और रिविजन अप्लीकेशन इज फाइल्ड और एनी अदर प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गवर्नमेंट ड्यूज देन एनहांसमेंट ऑफ ड्यूज इन अपील रिविजन वेन सच गवर्नमेंट ड्यूज आर एनहांस इन सच अपील और रिविजन और अदर प्रोसीडिंग serving additional notice by commissioner, the commissioner shall serve upon the taxable person or any other person another notice, underline the word another, पहले जो एक word को underline करना, enhance, दूसरा another notice of demand in respect of such amount by which such government dues are enhanced and recovery proceeding in relation to such government dues as are covered by notice of demand serve upon him before disposal of appeal revision or other proceeding may without the service of any fresh notice of demand be continued from the stage at which such proceeding stood immediately before such disposal. ठीक है, सिंपल और वर्ड्स में समझा देता हूं. अगर आपके अगेंस्ट में ड्यूज था, ऑफिसर ने डिमांड ऑर्डर दे दिया, ओके, तो आपके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ड्यूज था, ऑर्डर सर्व हो गई और आपने अपील फाइल की या रिवीजन फाइल किया, पता चला आप तो केस अपने फेवर में लेने गए थे पर कोर्ट में कुछ एडिशनल एविडेंस मिल गए जिसके वजह से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मतलब फेवर तो छोड़ो, कुछ एडिशनल एविडेंस मिल गए जिसके वजह से आपकी लायबिलिटी क्या एनहांस हो गई. तो अगर आपकी लायबिलिटी एनहांस हो जाती है, टैक्स लायबिलिटी, तो उसका सेपरेट अनादर डिमांड नोटिस कमिश्नर सर्व करेगा. ओके, दूसरा नोटिस जितना भी कोर्ट ने बढ़ाया, ओके, वो उतना जो बढ़ाया हुआ है, ओके, वो नोटिस सर्व करेगा और उसकी रिकवरी के लिए वो वही स्टेज से प्रोसीडिंग चालू करेगा जो स्टेज से उसकी ओरिजिनल रिकवरी प्रोसीडिंग थी. मतलब 3 महीने का टाइम, उसने ओरिजिनल डिमांड ऑर्डर दिया होगा, वहां से 3 महीना दिया होगा पेमेंट के लिए और 3 महीने में सामने वाले ने पे नहीं किया होगा तो उसने प्रोसीडिंग चालू कर दी होगी. अरे है ना, तो वही स्टेज से वापस ये एडिशनल अमाउंट के लिए अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा. इज इट क्लियर? सिंपल वे में ये कंसेप्ट है बेटा. नेक्स्ट, वेयर सच गवर्नमेंट ड्यूज आर रिड्यूस. हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट के ड्यूज रिड्यूस हो जाते हैं इन अपील, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर कमिश्नर टू सर्व अपॉन टैक्सेबल फ्रेश नोटिस. मतलब देखो, बड़े तो फ्रेश नोटिस है, कम हुए तो ऑफिसर नोटिस नहीं देगा, शो कॉज कम क्यों ना करे, जो मुझे समझा तो ठीक है. ओके,
नोटिस अमाउंट बढ़ती है उसके लिए होता है, अमाउंट कम होती है उसके लिए नहीं होता है। तो ऑफिसर नोटिस देगा, कमिश्नर शैल गिव इंटीमेशन टू सच रिडक्शन हिम एंड टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विद टू हुम रिकवरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग। हाँ, अब देखो रिकवरी डिपार्टमेंट अलग होता है, ऐसा नहीं कि जो ऑफिसर नोटिस भेजता है वही रिकवरी करता है। मतलब हो सकता है एक ऑफिसर ने नोटिस भेजा, ऑर्डर फाइनल कर दिया, फिर रिकवरी के लिए रिकवरी डिपार्टमेंट को भेजा, और अब अगर कोर्ट ने कम कर दिया तो कमिश्नर उसका एक इंटीमेशन लेटर बनाएगा और रिकवरी डिपार्टमेंट को भेजेगा कि नहीं इतना कम करो, इतना इससे पैसा मत लो। ओके, एनी रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड्स अपॉन हिम प्रायर टू डिस्पोजल ऑफ अपील रिवीजन ऑफ प्रोसीडिंग मे बी कंटिन्यूड इन रिलेशन टू अमाउंट सो रिड्यूस फ्रॉम द स्टेज एट विच सच प्रोसीडिंग शुड इमीडिएटली बिफोर डिस्पोजल। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है, यहाँ ये चैप्टर एंड होता है बेटा। ओके, अब हर चैप्टर के पीछे एक पेज दिया है, ये पेज इसलिए दिया है कि अगर आप, वैसे तो आप करोगे नहीं मुझे पता, पर कभी ऐसा होता है कि रिसर्च करने का मूड होता है, दूसरी बुक पढ़ने का मूड होता है, 100 में से कोई एक रहता है जिसका मूड होता है, तो वो 100 में से जो एक होता है जो दूसरी बुक भी पढ़ता है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो लिखता है, तो उनके लिए दिया है, बाकी के लिए बेटा ब्लैंक पेज है। ठीक है, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो यहाँ डिमांड चैप्टर में वैसे तो कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, लेकिन एक सर्कुलर ऐड किया है जो एक प्रोसीजरल बेनिफिट उन्होंने दिया है। तो ये सर्कुलर में जो प्रोसीजरल बेनिफिट उन्होंने दिया है थोड़ा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी ये चैप्टर में कोई भी ऐसी अमेंडमेंट्स नहीं है। तो यहाँ प्रोसीजरल बेनिफिट्स उन्होंने क्या दिया है ये थोड़ा ध्यान से सुन लेना। जैसे आपको याद है कि सेक्शन 73-74 में शो कॉज नोटिस के पहले अगर आप पेमेंट कर देते हो वॉलंटरीली तो बेनिफिट्स दिए हैं, ठीक है, मतलब पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी। शो कॉज नोटिस के आने के बाद 30 दिन के अंदर भी अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपको मतलब यहाँ पेनल्टी नहीं लगेगी, और फ्रॉड का केस होगा तो फिर आपको 15-25% या 50% का पेनल्टी का ऑप्शन अलग अलग केसेस में गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, अब बेटा मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ गवर्नमेंट ने और एक प्रोसीजरल बेनिफिट दिया है जो मैं यहाँ पढ़ता हूँ। प्रॉपर ऑफिसर शैल इंटीमेट बिफोर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस फॉर द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पेबल। द प्रॉपर ऑफिसर शैल बिफोर सर्विंग द नोटिस कम्युनिकेट द डिटेल्स ऑफ एनी टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी एज असर्टेन बाय हिम बिफोर सर्विंग द नोटिस। यानी ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। मतलब क्या है कि अगर ऑफिसर स्क्रूटिनी भी करता है तो सडनली आपको नोटिस नहीं लगाना, क्योंकि बेटा केस लगा दिया ना तो क्या हो जाता है अननेसेसरी कि वो पेंडेंसी ऑफ केसेस हो जाती है कि इतनी सारी केस लगी और वो रिकॉर्ड में नाम आ जाता है। जैसे पुलिस के केस में FIR है, FIR हो गया कि फिर डिपार्टमेंट में भी बर्डन बढ़ जाता है कि भाई यहाँ पे आपको उस FIR की केसेस बढ़ रही है, मतलब कहीं तो भी क्राइम बढ़ रहा है, तो यहाँ नोटिसेस दी मतलब कहीं तो भी टैक्स इवेजन हो रहा है। तो बेटा ऐसी साइकोलॉजी अवॉइड करने के लिए पहले ऑफिसर आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, पहले ऑफिसर ये सर्कुलर क्या कहता है, ये सर्कुलर कहता है कि पहले आपको वो इंटीमेशन देगा ऑफिसर कि भाई इतना इतना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बाकी है, तो वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपको इंटीमेशन देगा टू अ पर्सन चार्जेबल विद टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी अंडर सेक्शन 73 एंड 74। यानी शो कॉज नोटिस आने के पहले आपको इंटीमेशन दी जाएगी कि कितना आपका टैक्स है, पेनल्टी है, इंटरेस्ट है। नेक्स्ट, फर्दर वेयर सच पर्सन हैज मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ अमाउंट कम्युनिकेटेड टू हिम, अगर उसने पार्शियल पेमेंट किया और डिजायर टू फाइल अ सबमिशन अगेंस्ट द प्रपोज लाइबिलिटी ही मे मेक सबमिशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। मतलब क्या कि अगर ऑफिसर ने उसको इंटीमेट कर दिया और इंटीमेट करने के बाद उसने पार्शियल पेमेंट कर दिया, या फिर उसने ये बताया कि हाँ मैं रेडी हूँ पे करने के लिए, ही इज डिजायरस ओके दैट टू फाइल अ सबमिशन अगेंस्ट द प्रपोज लाइबिलिटी देन प्रिस्क्राइब फॉर्म देन टैक्सेबल विल एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ नील और रिड्यूस पेनल्टी अंडर सेक्शन 73(5) और 74(5). दैट मीन्स ओके सी डिपार्टमेंट इज नॉट गोइंग टू रश हियर टू इश्यू शो कॉज नोटिस। ओके, सो डिपार्टमेंट इज नॉट गोइंग टू ओके टेक द अपॉर्चुनिटी ओके लेट्स अटैक ऑन द टैक्स पेयर इश्यू द पेनल्टी सो दैट ही शुड नॉट टेक द ऑप्शन ऑफ दैट 15% पेनल्टी और विदाउट पेनल्टी वॉलंटरी पेमेंट। ओके, टेक अ लिबरल अप्रोच। ओके, ऑल्सो
हियर गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग लिबरल अप्रोच, हेंस दिस सर्कुलर इज इश्यूड. ओके, डोंट हियर मेक एनी रश टू इश्यू द पेनल्टी. ओके, हियर गिव एन इंटीमेशन टू द टैक्स पेयर दैट कि सी दिस इज योर टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी. आर यू रेडी टू पे दिस टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी? ओके, इफ ही सेज यस सर आई एम रेडी टू पे दिस टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी, ओके गिव यूर सबमिशन ऑफ पेमेंट और सम मेक सम पार्ट पेमेंट. इफ यू आर मेकिंग द पार्ट पेमेंट देन ओके वी आर नॉट गोइंग टू इश्यू द शो कॉज नोटिस सो दैट इन केस ऑफ फ्रॉड यू कैन टेक अ बेनिफिट ऑफ 15% पेनल्टी. ओके, दैट मीन्स हियर डिपार्टमेंट इटसेल्फ इज हेल्पिंग टू दैट टैक्स पेयर कि आप जल्दी दे तो भाई आप उसका बेनिफिट ले लो. तो ये था बेटा यहाँ पे रिगार्डिंग टू इंटीमेशन. और ये बहुत अच्छा उन्होंने बेनिफिट लाया. वेर एनी पर्सन मेक द पेमेंट इंटरेस्ट और पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट ड्यू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट whether on his own ascertainment or communicated by the proper officer mentioned above, he shall inform the proper officer of such payment and the proper officer shall issue the acknowledgement accepting the payment made by said person. Okay, तो अगर उसने कोई payment वगैरह कर दिया तो वो payment जो है officer को बता देगा और officer को वो payment बताने के बाद यहाँ पे जो है okay उसका एक proper acknowledgement उसको मिल जाएगा. तो ये एक simple procedural benefit. तो इस तरह से हमने ये चैप्टर खत्म किया. एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते बेटा, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया. ओके, तो चलिए यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, लायबिलिटी टू पे टैक्स इन सर्टेन केसेस. हाँ वो करवा के देता. अब दूसरा चैप्टर मैं फटाफट पढ़ने वाला हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाने वाला हूँ. ओके, ये एग्जाम के हिसाब से अगर होगा तो एक आधा कोई एमसीक्यू वगैरह आएगा या छोटा सा कोई क्वेश्चन 2 मार्क का पूछा जाएगा. इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ये मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है. और फिर इसके बाद मैंने आपसे बुक मंगाई थी ITC का एक करेक्शन करने के लिए, ठीक है, वो करेक्शन करके देता हूँ. ठीक है, ठीक है. लाइबिलिटी इन केस ऑफ ओके चैप्टर है चैप्टर 21, लाइबिलिटी टू पे इन सर्टन केसेस. ओके, तो सेक्शन 85 से 94 याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, इसमें जो मैं मेन सेक्शन बताऊंगा वो अच्छे से पढ़ के जाना है. अंडर हाँ, इसके बाद का चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है रिफंड है ना इसके बाद. ओके, दुनिया इधर की हो जाए उधर हो जाए छोड़ना मत, कल का चैप्टर, ठीक है. रिफंड मतलब टैक्स का रिफंड, फीस का रिफंड इन नालायक. ओके, तो नाउ 85, लायबिलिटी टू पे इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस. अब सुनो, ओके, ये क्यों पढ़ा रहा हूं, किस लिए पढ़ा रहा हूं, फटाफट सुन लो कि अगर आपने किसी को बिजनेस बेच दिया और बिजनेस बेचने के बाद पुराना कोई केस आपके अगेंस्ट में ओपन हो गया तो आप ये नहीं बोल सकते अब मैं क्या करूं, बिजनेस बेच दिया, तेरा घाटा, इसमें मेरा क्या जाता. समझा नहीं था. ओके, तो अब ऑफिसर आ गया और कहेगा कि ये पुरानी जो केस थी 3 साल पहले की, ओके, उसके आपको टैक्स देना है. आपने कहा बिजनेस ही नहीं बचा, बिजनेस ही बचा, ट्रांसफर, बिजनेस ट्रांसफर, जाओ मैं क्या करूं, पहले आना था मस्त भाई की. तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा आप नहीं बोल सकते हो. उसकी लायबिलिटी देखो किस तरह से होगी. अगर आपने बिजनेस ट्रांसफर, वेयर अ टैक्सेबल पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर CGST एक्ट, ट्रांसफर इज बिजनेस होल और पार्ट बाय वे ऑफ सेल, गिफ्ट, लीज, लीव, लाइसेंस, हायर और एनी अदर मैनर व्हाटएवर, देन टैक्सेबल पर्सन एंड अंडरलाइन. अरे तू अंडरलाइन करना, नहीं तो ब्लैंक दिखेगा ना, फिर तेरे को डाउट आएगा मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया. ओके, एंड द पर्सन टू हम बिजनेस इज सो ट्रांसफर, मतलब दोनों के अगेंस्ट में, हाँ, जो टैक्सेबल पर्सन है और जिसको बिजनेस ट्रांसफर किया है, शल जॉइंटली और सेवरली, मतलब दोनों जॉइंटली लायबल हो सकते हैं या अलग अलग लायबल हो सकते हैं, बी लायबल होली और टू द एक्सटेंट ऑफ सच ट्रांसफर टू पे टैक्स, मतलब टू द एक्सटेंट, समझ लो आपके अगेंस्ट में लायबिलिटी कुछ 50 लाख की आई और आपने बिजनेस 30 लाख में बेच दिया, तो टू द एक्सटेंट ऑफ दैट ट्रांसफर, क्योंकि सामने वाला बोलेगा भाई मैंने 30 लाख में, 30 लाख का ही माल उसके पास से आया, तो टू द एक्सटेंट ऑफ दैट ट्रांसफर,
to pay tax, interest and penalty due from the taxable person up to time of such transfer. Whether such tax, interest, penalty has been determined before such transfer but has remains unpaid or is determined thereafter. Matlab, ye liability transfer ke pehle ki ho ya transfer ke baad ki ho. Wo liable rahega. Phir to sir ye dangerous hai. यानी इसका मतलब सर आप ये कहना है कि किसी से हमको अगर बिजनेस खरीदना है या कुछ खरीदना है ओके यहाँ पे उसकी बिजनेस खरीदना है तो पहले हमको हाँ बिल्कुल किसी का भी बिजनेस आपको पहले खरीदना है तो पब्लिक नोटिस देना है फिर लीगली देखा जाए तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट को भी एक लेटर भेजना है कि ये बंदे का मैं बिजनेस खरीद रहा हूँ हाँ और विद इन दैट टाइम कोई एक्शन नहीं हुई तो वो एक रीजनेबल नहीं तो इतनी बड़ी लिस्ट होती है इसलिए लोग खरीदने के पहले देखते हैं कि भाई तेरे कितने ड्यूज बाकी है पुराना कुछ क्या है क्या नहीं है बिजनेस खरीदने के पहले क्योंकि लायबिलिटी रिसिपिएंट पे आ जाती है पूरी जिसने खरीदा ना कंसाइनी उस पे आ जाती है पूरी सेक्शन 85 के तहत तो ये बात ख्याल रखना तो जॉइंटली तो शायद MCQ भी बना ले कि भाई वो सेवरली लायबल हो गए क्या जॉइंटली लायबल हो गए क्या या ओनली ओरिजिनल पर्सन लायबल होगा क्या या जिसको शिफ्ट किया वो लायबल होगा क्या तो एक ग्रुप बनाओ और इसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनाओ इज इट क्लियर ओके मैं फिर से कहता हूं MCQ दे रहा हूं पर जरूरी नहीं कि मेरे ही दिए हुए MCQ पे कोई क्वेश्चन आएगा वो कुछ भी बना सकती है CPD जैसा काम है ये बिल्कुल ठीक है हाँ आ गया तो बेटा अच्छी बात है ओके नाउ नेक्स्ट वेयर द ट्रांसफरी ऑफ द बिजनेस कैरी ऑन सच बिजनेस आइदर इन ओन नेम और इन सम अदर नेम He shall be liable to pay tax on supply of goods or services of both effected by him with effect from the date of such transfer. And he shall, if he register person under this act, apply within the prescribed time for amendment of his certificate of registration. हाँ, मतलब transfer ही को तो नया amendment लेना ही पड़ेगा क्योंकि business transfer हो गया और उसके बाद में वो जो supply करेगा उसके लिए तो liable होगा पर पुरानी भी action उसके against में हो सकती है. Now next. सेक्शन 86 लायबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल हमें थोड़ा ये समझाओ ओके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो कॉस्ट अकाउंटेंट हो कंपनी सेक्रेटरी हो प्रिंसिपल और एजेंट में लायबिलिटी किसकी होगी सर आपने ही समझाया हमें कि अगर प्रिंसिपल खुद का इनवॉइस देगा तो उसकी लायबिलिटी और प्रिंसिपल नहीं एजेंट और एजेंट अगर प्रिंसिपल का इनवॉइस दे रहा है तो कौन प्रिंसिपल टैक्स के लिए होगा पर अब देखो ये क्या कहते हैं Where agent supplies or receive any taxable goods on the behalf of principal, agent and his principal. Underline. मतलब agent खुद का bill बनाए या ना बनाए Principal भी liable होगा और agent. Okay, jointly or severally be liable to pay tax payable under this act. मतलब principal ने पैसा नहीं दिया तो agent से मांगा जा सकता है या agent ने पैसा नहीं दिया तो प्रिंसिपल से माना जा सकता है बहुत डेंजरस क्लॉज है एजेंट खुद का भी इनवॉइस देता है तो भी पैसा प्रिंसिपल से मांगा जा सकता है हाँ गो अहेड हाँ सवाल ये है कि बराबर है तेरा सवाल ये है कि सर बिजनेस अगर शिफ्ट हो रहा है तो अमेंडमेंट थोड़ी होगी न्यू रजिस्ट्रेशन होगा ओके आई एग्री पर यहाँ पे नहीं बराबर है तेरा यहाँ उनका टेक्निकल मिस्टेक हुआ है यहाँ अमेंडमेंट की जगह क्या चाहिए अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्योंकि बिजनेस ही शिफ्ट हो रहा है ओके पर एक्ट में अभी भी अमेंडमेंट है तो पर मैं तेरी बात से एग्री हूँ कि इंस्टेड ऑफ अमेंडमेंट क्या वर्ड चाहिए इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन ओके नहीं नहीं बराबर है बराबर एक मिनट फिर से पढ़ते हैं पैराग्राफ वो क्या कह रहा है वेयर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस कैरी ऑन सच बिजनेस इधर इन ओन नेम और इन सम अदर नेम ही शैल बी लायबल टू पे टैक्स सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विस बोथ इफेक्टेड बाय हिम विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर And he shall, if he is registered, बराबर मतलब वो अगर already क्या registered है तो फिर amendment ही करेगा
कि भाई मैंने ये बिजनेस लिया, मेरा नया सप्लाई चालू हुआ है, तो वो उसके पास जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है उसमें सिर्फ अमेंडमेंट करेगा कि उसने बिजनेस खरीदा है और उसने कुछ गुड्स और सर्विस का नया सप्लाई चालू किया है, ठीक है, बराबर है। तो अमेंडमेंट वर्ड ही बराबर है वो सेकंड लाइन में, नॉट न्यू रजिस्ट्रेशन। ओके, लायबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल तो हमने देखा। नेक्स्ट, लायबिलिटी टू पे इन केस ऑफ अमलगमेशन एंड मर्जर। अमलगमेशन और मर्जर होता है तो देखो, व्हेन टू और मोर कंपनीज आर अमलगमेटेड और मर्ज इन परस्यूएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, अंडरलाइन इन परस्यूएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, इन ऑर्डर टू टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट अर्लियर टू द डेट ऑफ ऑर्डर एंड एनी टू और मोर सच कंपनी हैव सप्लाइड और रिसीव्ड एनी गुड्स और सर्विस बोथ टू और फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द पीरियड कमेंसिंग ऑन द डेट फ्रॉम विच द ऑर्डर टेक इफेक्ट टिल द डेट ऑफ ऑर्डर, देन सच ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई एंड रिसीव शैल बी इंक्लूडेड इन द टर्न ओवर ऑफ सप्लाई ऑफ रिसीव, अंडरलाइन रिस्पेक्टिव कंपनी एंड दे शैल बी लायबल टू टैक्स अकॉर्डिंगली। वापस से पढ़ता हूं, अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से अमलगमेशन या मर्जर हो रहा हो और कोर्ट की द ऑर्डर इज टू टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट अर्लियर टू डेट ऑफ ऑर्डर, मतलब कोर्ट ने जो अमलगमेशन की ऑर्डर दी है, अमलगमेशन की ऑर्डर आज दी है पर इफेक्टिव डेट आपकी पहले, मतलब ओके, कोर्ट ने कहा है कि 10 जन ये मई चालू है और कोर्ट ने कहा कि 10 जनवरी से आप अमलगमेटेड माने जाओगे या मर्ज माने जाओगे, मतलब आपका अमलगमेशन पुराने डेट का होगा, ऑर्डर आज आई है, एंड एनी टू और मोर सच कंपनी हैज सप्लाइड और रिसीव्ड एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू और फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द पीरियड कमेंसिंग ऑन द डेट फ्रॉम विच द ऑर्डर टेक इफेक्ट टिल द डेट ऑफ ऑर्डर। हाँ, समझ लो आज 25th मई है, 25th मई को कोर्ट का ऑर्डर आया कि आप 10 जनवरी से ओके अमलगमेटेड माने जाओगे, क्या माने जाओगे, अमलगमेटेड या मर्ज माने जाओगे, इवन दो पुरानी डेट से अमलगमेशन हुए हैं। ओके, तो ऐसे केस में ये पीरियड का ओके कंपनी में एकमेक में कोई सप्लाई हुआ होगा, नहीं समझा आप, कंपनी में एकमेक में कोई सप्लाई हुआ होगा, इवन दो आप अमलगमेटेड 10 जान से माने गए, मतलब एक ही माने गए, लेकिन ये पीरियड का जो सप्लाई हुआ है वो टर्नओवर में कंसीडर किया जाएगा। ओके, देखो, देन सच ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई रिसीव शैल बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर ऑफ सप्लाई रिसीव ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनी एंड दे शैल बी लायबल टू पे टैक्स अकॉर्डिंगली। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि 10 जनवरी से हम अमलगमेटेड हो गए, अगर 10 जनवरी से अमलगमेटेड हो गए तो हमारे दो कंपनी के ट्रांजेक्शन अब बचे ही नहीं, हम तो एक कंपनी हो गए, ओके, तो हम जीएसटी नहीं देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इवन दो कोर्ट ने 10 जनवरी से आपको अमलगमेटेड बोल दिया या मर्ज बोल दिया, लेकिन आपको वहां से लेके टिल द कोर्ट की ऑर्डर तक ओके टैक्स देना पड़ेगा। कुछ मेरी बात समझ में आएगी आपको? हाँ, नेक्स्ट, For the purpose of this act, the said two or more companies shall be treated as distinct company for the period up to the date of said order. हाँ, जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं देता है तब तक दो कंपनी अलग अलग मानी जाएगी, एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से कंपनी शैल बी कैंसल विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सेड ऑर्डर, ठीक है। नाउ 88, लाइबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन। कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाती है, देखो, लिक्विडेटर शैल गिव इंटीमेशन ऑफ हिज अपॉइंटमेंट टू द कमिश्नर विद इन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, मतलब ओके, लिक्विडेटर जो भी अपॉइंट हुआ वो डिपार्टमेंट को 30 दिन में इंटीमेट करेगा कि मैं इस कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया हूं। कमिश्नर में मेक सच इंक्वायरी एंड कॉल सच इंफॉर्मेशन एज ही डीम फिट। ओके, कमिश्नर शैल नोटिफाई द लिक्विडेटर द अमाउंट सफिशिएंट टू प्रोवाइड फॉर एनी टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी पेबल और लाइकली टू बी पेबल बाय कंपनी विद इन 3 months ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन। जैसे ही जीएसटी कमिश्नर को पता चला कि कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है और लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया और लिक्विडेटर की इंटीमेशन आ गई, तो लिक्विडेटर की जिस दिन भी इंटीमेशन आई वहां से 3 महीने में कितना ड्यूज कंपनी के अगेंस्ट में बाकी है कमिश्नर ने इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और इफ सच टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी कैनॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंपनी एवरी डायरेक्टर ड्यूरिंग विच पीरियड इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे इट। लेकिन अगर लिक्विडेटर भी वो पैसा पे नहीं कर पाया क्योंकि पैसा ही नहीं आया, तो ऐसे केस में वो टाइम पे जो भी डायरेक्टर्स हो गए कंपनी के वो लायबल रहे, कंपनी एज वेल एज डायरेक्टर जॉइंटली एंड सेवरली क्या
लायबल रहेगा, यानी डायरेक्टर बच नहीं सकते हैं। मेरी बात समझ में आया क्या? सॉरी लेवल टू पे अनलेस ही प्रूव्स दैट नॉन रिकवरी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एनी ग्रॉस निगलेक्ट ओके या मिसफिसेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑन हिज पार्ट इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। पर डायरेक्टर ये प्रूव कर देता है कि भाई मैं तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, सिर्फ मैं सीटिंग में बोर्ड की मीटिंग में आता था, बाकी ऑपरेशन मेरे कंट्रोल में है नहीं था, और मेरे निकले भाई ये मेरे नॉलेज में ही नहीं था कि ये ऐसे ऑपरेशन और ऐसे ही वैजन हुए। ओके मैं तो सिर्फ कंपनी के मीटिंग के लिए आता था, सीटिंग फीस मिलती थी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। या किसी भी तरह से ये पूछा कि जो भी फ्रॉड हुआ उसके नॉलेज में नहीं था, अगर उसने प्रूव कर दिया तो फिर उससे टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ओके उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार करना आ सकता है, लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी। देखो डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी टू बी ज्वाइंटली अंडरलाइन ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ड्यू फ्रॉम द कंपनी एंड नॉट रिकवर्ड। ओके तो डायरेक्टर लाइबल रहेगा नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेंड इन कंपनीज एक्ट 2013। भाई तुम्हारे कंपनीज एक्ट में कुछ भी लिखा हो अब मैं जो कहने जा रहा हूं वही होगा। ओके क्या? Where any tax interest or penalty due from private company in respect of any supply of goods or service or both for any period cannot be recovered. Any period cannot be recovered. Then every person who was the director of the private company during such period, underline, during such period matlab, jo period mein fraud hua, short payment, not payment hua, shall jointly or severally be liable for payment of such tax and interest penalty unless he prove that non-recovery cannot be attributed to any his gross neglect या मिसफिसेंस या फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑन हिज पार्ट ओके इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ कंपनी। सिंपल वर्ड में जो पीरियड में शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट हुआ वो पीरियड में जितने भी डायरेक्टर्स थे सब पे लायबिलिटी आएगी। कंपनी एक्ट हमारे सामने मत लाना, हमने बोल दिया सो बोल दिया। हाँ पर डायरेक्टर बच सकते हैं अगर वो हमें प्रूव करके दे कि वो उनके नॉलेज में नहीं था, उनके निगलेक्ट के वजह से नहीं हुआ। ठीक है कन्वर्जन ऑफ सच प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये पहला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर प्राइवेट कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी एंड द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ फॉर एनी पीरियड ड्यूरिंग व्हिच सच कंपनी वाज प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी रिकवर्ड बिफोर सच कन्वर्जन देन नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई। सबसेक्शन 1 मतलब ऊपर वाला शैल अप्लाई टू एनी पर्सन हु वाज द डायरेक्टर ऑफ सच प्राइवेट कंपनी in relation to tax interest or penalty in respect of such supply of goods or services or both of such private company. However, nothing contained in subsection shall apply to any personal penalty imposed on such director. हाँ, wording से तो ऐसा लगता है कि आपने अगर private company किस पे convert कर दिया public में तो फिर पुराने private direct company के director के against में कोई action नहीं होगी पुराना period, क्योंकि बता ये section 85 में आ जाता है, तुमने business transfer कर दिया तो फिर वो पैसा किस तरह रिकवर कर लेंगे पब्लिक से, क्योंकि फिर वो केस 85 के लगा देंगे। नहीं समझा? आप बिजनेस किसको ट्रांसफर कर चुके हो? नई कंपनी को ट्रांसफर कर चुके हो तो फिर वो 85 के केस में जो नया बंदा है उससे पैसा ले लेंगे। ओके और पुराने डायरेक्टर के अगेंस्ट में कोई केस अप्लाई नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ द फर्म लायबल रहेंगे। देखो पार्टनर ऑफ द फर्म ज्वाइंटली अंडरलाइन ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल not withstanding to any contract to the contrary and any other law for timing in force where any firm is liable to pay tax interest and penalty under this act and firm and each of the partner of the fund shall jointly and severally liable. aap partnership deed mein kitna bhi likho okay ki meri liability limited rahegi, main itne hi amount tak liable rahunga, main aisa hi rahunga, kitna bhi likho not withstanding to whatever you agreed टैक्स पेमेंट के लिए ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबिलिटी क्रिएट की जाएगी। फर्म में एलएलपी भी है, एलएलपी में भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी में जीएसटी के टैक्स पेमेंट से आपको लिमिटेड नहीं किया जाएगा। हाँ जो आपके अनसिक्योर्ड लोन अदर प्रॉब्लम हो गए तो ठीक है, पर जीएसटी की लायबिलिटी ज्वाइंटली एंड सेवरली होगी, एलएलपी भी आएगा। रिटायरिंग पार्टनर टू इन्फॉर्म टू डिपार्टमेंट, हाँ ये बात अच्छी है। ये लीगली देखा जाए तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसने हर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैं रिटायर हो रहा हूं। ओके क्यों बताता हूं? लायबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी ऑफ फर्म ड्यू अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। देखो वेयर एनी पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म ही
or the shall intimate date of retirement to said partner or commissioner by notice in this behalf in writing, and such partner shall liable to pay tax, interest or penalty due up to the date of retirement, whether determined or not on that date. मतलब क्या, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अगर डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर देता है कि मैं रिटायर हो रहा हूं, तो फिर उसकी लायबिलिटी उसी दिन तक मानी जाएगी जब तक वो रिटायर, लेकिन अगर उसने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया तो फिर वो रिटायर होने के बाद भी अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है तो डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है. हाउएवर इफ नो सच इंटीमेशन इज गिवन विद इन वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, लायबिलिटी ऑफ सच पार्टनर शैल कंटिन्यू, अंडरलाइन शैल कंटिन्यू अंटिल द डेट ऑन विच सच इंटीमेशन इज रिसीव्ड बाय कमिश्नर. आप समझ रहे हो पढ़ने में कोई हार्ड नहीं है, एटलीस्ट रीड करके तो भी जाना, कोई एमसीक्यू वगैरह आ गया तो टाइम पे जम जाएगा, छोड़ना नहीं है, पढ़ के जाना, और हार्ड नहीं है कुछ पढ़ने में. ओके नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ गार्डियन एंड ट्रस्टीज. ओके उनकी कितनी लायबिलिटी रहेगी देखो, वेयर द बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इज पेबल अंडर दिस एक्ट इज कैरिड ऑन बाय गार्डियन ट्रस्टी और एजेंट ऑफ अ माइनर, अंडरलाइन ऑफ अ माइनर or other incapacitated person on the behalf of or for the benefit of such minor or other incapacitated person, the tax interest or penalty shall be levied upon and recoverable from guardian, trustee or agent in the like manner and to the extent as it would be determined and recoverable from such minor or other incapacitated person as if he were a major or capacitated person and if he were conducting the business himself, and all the provision of this act and rules made thereunder shall apply accordingly. ठीक है. Next, liability of court of wards, where the estate or any portion of any portion of the estate of taxable person owing to a business in respect of which any tax or interest penalty payable under this act under the control of court, underline court ke paas hai, court of wards, the administrator general, the official trustee or any receiver or manager including any person whatever his designation who in facts manage the business appointed by or under the order of court, then the tax interest penalty shall be levied and recoverable from such court of ward or administrator general or trustee or etc. in the like manner, okay, and to the same extent it would be determined and recoverable from the person who conducting the business, and all the provision of this act and rules made under shall apply. Now next, isme bhi koi khas baat nahi hai, priority b mein aap ek ek line mein bhi kar sakte ho ki bhai wo कोर्ट लायबल रहेगा, ट्रस्टी लायबल रहेगा, गार्डियन भी लायबल रहेगा, ये भी लायबल, वो भी लायबल, सब लायबल. ठीक है, एजेंट भी लायबल, प्रिंसिपल भी लायबल, खरीदने वाला भी लायबल, ठीक है, पार्टनर भी लायबल, ठीक है. ठीक है, स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग लायबिलिटी टू पे टैक्स और इंटरेस्ट पेनल्टी सर्टेन केसेस. If his business is carried on by a person, is continued after his death by legal representative or any, bata, agar legal representative continue karega to kon liable rahega? Sab liable rahega. Matlab kya? So such legal representative or other person shall be liable to pay tax, interest, penalty due from such person. If business is carried on or by a person is discontinued, whether before or after his death, matlab uske death ke baad, before death discontinue ya after, तो फिर कौन, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लायबल टू पे आउट ऑफ द स्टेट ऑफ डिसीज. हाँ, अब सुनो, यहां इंपॉर्टेंट है, अगर बिजनेस ही बंद कर दिया तो फिर लीगल हेयर लायबल रहेगा, पर पूरा रहेगा या जितनी स्टेट मिली बस उतना ही, जितनी स्टेट मिली उतने ही अमाउंट तक लायबल रहेगा, टू द एक्सटेंट टू विच स्टेट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग द चार्ज, टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ड्यू फ्रॉम सच पर्सन अंडर दिस एक्ट, एंड वेदर सच टैक्स इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी हैज बीन डिटरमाइंड बिफोर हिज डेथ बट remain unpaid or is determined after his death. Okay. On partition of HUF, AOP, so otherwise provided in Insolvency and Bankruptcy Code 2016, where taxable person liable to pay tax, interest or penalty under CGST Act is a Hindu undivided family, HUF, or an association of person, AOP, property of HUF or AOP is partitioned amongst the various members or group of members. Then each member, underline, we, sub liable, each member or group of members shall jointly and severally be liable to pay tax, interest up to the time of partition. Matlab HUF ke against mein case hogi to partition tak liable rahega. Whether such tax or penalty or interest has been determined before partition but has remains unpaid or is determined after partition. Dissolution of firm,
तो देखो सेव अदरवाइज प्रोवाइडिंग इंसॉल्वेंस इन बैंक्रप्टसी कोड 2016 वेयर टैक्सेबल पर्सन लायबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अंडर सीजीएसटी एक्ट सच फर्म इज डिसॉल्व एवरी पर्सन हु वाज द पार्टनर शैल जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे टैक्स अप टू द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन. फिर वो आपका अमाउंट पहले डिटरमाइन हो या बाद में. ऑन टर्मिनेशन ऑफ गार्डनशिप एंड ट्रस्ट वो लायबल रहेगा. ओके ठीक है मैं अब जो इम्पोर्टेंट है वही लेता हूँ. लायबिलिटी इन अदर केसेस भी ये आप रीड कर सकते हो. ठीक है यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है. वेल दोस्तों जीएसटी में ऐसा चल रहा है कि लुका छुपी का खेल चल रहा है. हाँ चलो नया लॉ है 2 साल का बच्चा है. बहुत सारे इंटरप्रिटेशन अलग अलग आ रहे हैं. तो एक इंटरप्रिटेशन जो ICAI के RTP में लिया गया जो मैंने इंटरप्रिटेशन लिया है उससे डेविएट होता है और वो RTP में जो लिया गया है वही आपको फॉलो करना है एग्जाम पर्पस के लिए. अगर आप CMA या CS कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको वही इंटरप्रिटेशन फॉलो करना है जो ICAI ने ओके मई एज वेल एज नवंबर के RTP में लिया है. ओके तो क्या इंटरप्रिटेशन लिया है चलो बता दूं. तो ये लुका छिपी तो चलते रहेगी ये खेल तो चलता रहेगा. ओके पर आपको क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है. सबसे पहले ओके उन्होंने ये कहा कि पूरे GST में जहाँ पे भी क्वार्टर ये क्वार्टर वर्ड होगा ये क्वार्टर मतलब अपना पीरियड हा तो ये क्वार्टर जो वर्ड होगा थोड़ा इधर लिख लेता हूँ. क्वार्टर जो वर्ड होगा ये जो है आपका कैलेंडर क्वार्टर लिया जाएगा. ओके ये आपका कैलेंडर क्वार्टर लिया जाएगा क्वार्टर लिया जाएगा. ओके इसका इम्पैक्ट क्या हुआ मतलब कैलेंडर क्वार्टर एक क्वार्टर माना जाएगा इसका इम्पैक्ट क्या होगा. इसका इम्पैक्ट पहले सेक्शन 17 में रूल 43 में होगा. उसके बाद में जो मेन मेजर इम्पैक्ट है जो हमारे कैलकुलेशन बदल देंगे उसके बाद में सेक्शन 18 में होगा. 18(1) में ओके 18(1) 18(6) ओके और 18(2) में भी होगा और 18(6) में भी होगा. सेक्शन 18 में 18(2) में और 18(6) में ओके ये इसमें मेजर चेंज होगा. बाकी जहां पे भी क्वार्टर वर्ड होगा वो कैलेंडर क्वार्टर लिया जाएगा. अब आपका सवाल क्या सर ये चेंजेस क्या मतलब नहीं समझ में आया कैलेंडर क्वार्टर यानी क्या. अब मैं आपको बताता हूँ. ओके अगर आपको याद होगा तो रूल 43 जो है हमने कैपिटल गुड्स का हमने ये पढ़ा था ITC में. ओके याद करो ITC में सेक्शन 17 कैपिटल गुड्स का पढ़ा था. कैपिटल गुड्स में स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए फिर TC ओके TC TM TC TM TR और TE. तो इसमें हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 17 में अगर आपको याद होगा तो रूल 42 में हमने ये पढ़ा था. ओके सॉरी रूल 42 नहीं रूल 43. रूल 43 में ये पढ़ा था कि अगर यहाँ पे कोई कैपिटल गुड्स पुराना है जो पहले एक्सक्लूसिवली एग्जम सप्लाई के लिए यूज किया जा रहा है ओके समझ लो इन द मंथ ऑफ ओके मई में कोई कैपिटल गुड्स था और मई में जो कैपिटल गुड्स था वो एक्सक्लूसिवली एग्जम सप्लाई के लिए यूज किया जा रहा है तो उसका ITC हमने नहीं लिया. लेकिन इन द मंथ ऑफ अगस्त में वो स्विच हो गया. ओके और वो स्विच होके कॉमन इसमें आ गया. तो कॉमन इसमें आते वक्त याद करना कॉमन इसमें आते वक्त हमने TC कैसा बनाया था. TC ऐसा बनाया था कि उस कैपिटल गुड्स का ITC यानी ये जो कैपिटल गुड्स लो CG1 लो उसको तो CG1 का जो ITC होगा माइनस 5% पर क्वार्टर लिया था. कुछ याद आया आपको याद आना ही चाहिए. तो जब कोई एक्सक्लूसिवली एग्जम सप्लाई का होगा और फिर वो कॉमन में आ गया ओके और इन द मंथ ऑफ अगस्त आया तो 5% पर क्वार्टर वो हमने लेना चाहिए अब जब तक ये RTP में नई अपडेटेड नहीं था तब तक मैंने आपको ये पढ़ाया और कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं इसलिए मैं अभी बहुत क्लियर कह ले रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में मैंने जब ये अटेम्प्ट के लिए लेक्चर रिकॉर्ड किए तो वो करेक्शन YouTube पे डाला था और रिकॉर्डेड लेक्चर में भी डाला था. पर अगर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं तो फिर से एक बार समझ लो और अगर आपका ऑलरेडी हो गया होगा
ओके, आपने YouTube में मेरा करेक्शन वीडियो देख लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज ओके फिर से ये लेक्चर में मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, आपकी क्लैरिटी इसके ऊपर बहुत क्लियर आ जाए। और वो क्या, वो ये कि आप ये कि ये जो क्वार्टर लिया जाएगा, क्वार्टर हमने ओके कैपिटल गुड्स जिस दिन परचेस किया वहां से निकाले थे क्वार्टर, ओके समझ लो, ये 25 मई को उसका इनवॉइस होगा कैपिटल गुड्स का 25 मई को, और 5 अगस्त को ओके 5 अगस्त को कॉमन पूल में आ गया। तो हमने कैसा लिया था क्वार्टर, क्वार्टर कैपिटल गुड्स का जो इनवॉइस था वो इनवॉइस की डेट से हमने क्वार्टर लिया, और वो क्वार्टर जो है तो ओके 25 मई से जून, वन मंथ जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, यानी अगर मैं इनवॉइस के डेट से जाऊं तो एक ही क्वार्टर आता है, ओके एक ही क्वार्टर, ओनली वन क्वार्टर होगा, ओके। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट का ये इंटरप्रिटेशन है, और वो इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आप क्वार्टर ले रहे हो तो आपको कैलेंडर क्वार्टर एक क्वार्टर मानना पड़ेगा एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। सुनो, कैलेंडर क्वार्टर आपको एक क्वार्टर मानना पड़ेगा और नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। मतलब हमने कैपिटल गुड्स मई में खरीदा था तो पहला कैलेंडर क्वार्टर हुआ अप्रैल मई जून, आई रिपीट, पहला कैलेंडर क्वार्टर हुआ अप्रैल मई जून, यानी जो मंथ में हमने कैपिटल गुड्स खरीदा वो आपका पहला क्वार्टर होगा, तो अप्रैल मई जून, और दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर, तो अगस्त में आपका कॉमन पूल में आया, तो अगस्त में अगर आपका कॉमन पूल में आया तो ओके वो पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी पूरा लिया जाएगा, तो आपके या एक क्वार्टर नहीं आपके दो क्वार्टर माने जाएंगे, और दो क्वार्टर के 5% आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, अगर हो गया तो कोई बात नहीं है, ओके आपने मुझे सुन लिया होगा लेक्चर में तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने लेक्चर में मेरा लेक्चर नहीं किया होगा ओके तो ऐसे सिचुएशन में ओके जो यहां पे हमने क्वार्टर लिए थे, ध्यान से सुनना, जो क्वार्टर लिए थे हमने ओके वो क्वार्टर इनवॉइस की डेट से लिए थे, लेकिन वो क्वार्टर अब आपको इनवॉइस की डेट से नहीं लेना है, आपको कैलेंडर क्वार्टर लेना है, कैलेंडर क्वार्टर लेना है, इसलिए सेक्शन 17 में रूल 43 में ओके अकॉर्डिंगली आपने प्रॉब्लम भी चेंज कर देना, जो प्रॉब्लम मैंने आपसे सॉल्व करवाया, अगर कैलेंडर क्वार्टर नहीं लिया होगा, कैलेंडर क्वार्टर लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर कैलेंडर क्वार्टर नहीं लिया होगा तो अकॉर्डिंगली आपको अपने प्रॉब्लम भी चेंज कर देना है, और वो प्रॉब्लम में आपको फिर से रिवाइज करना है कि कैलेंडर क्वार्टर फिट हो रहे हैं क्या, अगर कैलेंडर क्वार्टर बराबर हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कैलेंडर क्वार्टर में चेंज आता है तो आपको अपने आंसर्स भी बदल देने हैं। मेरे क्वेश्चनेयर में जो आपको मिला है वो कैलेंडर क्वार्टर के बेस पर ही मैंने अपडेट करके दिया है क्वेश्चनेयर, तो मेरे क्वेश्चन में मैंने कैलेंडर क्वार्टर लिए हैं, लेकिन अगर आपके बुक में मैंने इनवॉइस की डेट से लिए होंगे तो वो चेंज कर दो और उसको ले लो कैलेंडर क्वार्टर में, और कैलेंडर क्वार्टर के हिसाब से आपको सॉल्व करना है ओके। एज वेल एज सेक्शन 18 में, सेक्शन 18 में जब आप स्विच होते हो, स्विच होते हो मतलब आप कंपोजिशन से नॉर्मल में आते हो या आप एग्जम्पशन से नॉर्मल में आते हो, कुछ याद है आपको, कंपोजिशन से नॉर्मल में आते हो या एग्जम्पशन से नॉर्मल में आते हो, तो वो सिचुएशन में ओके आपको 5% रिड्यूस करके जो बाकी रहेगा वो आपको रिवर्स करना पड़ता है या लैप्स करवाना पड़ता है, तो वहां पे भी 5% पर क्वार्टर है, तो वो भी पर क्वार्टर जो है वो कैलेंडर क्वार्टर लिया जाएगा। मैंने इसके प्रॉब्लम्स देखे हैं 18 के जो मैंने सॉल्व करवाया है, तो मुझे अपने कैलेंडर क्वार्टर और इनवॉइस के क्वार्टर मैच हो रहे हैं, पर आपको इनवॉइस की डेट से नहीं लेना है, आपको कैलेंडर क्वार्टर लेना है, यानी जो मंथ में परचेस किया गया था कैपिटल गुड्स वो क्वार्टर, और जो मंथ में स्विच हुआ था वो एक कंप्लीट क्वार्टर, तो कैलेंडर क्वार्टर के हिसाब से जो है आपको कंसिडर करना है, ठीक है। तो 18(6) में भी जो आपको रिडक्शन करना है ओके, आपने सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स बेचा तो वो भी कैलेंडर क्वार्टर ही आपको कंसीडर करना है, और 17 में एक हमने और कंसेप्ट देखा था कि पहले एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई फिर स्विच हुआ, तो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई और फिर स्विच हुआ तो हम उसमें भी ओके कैलेंडर क्वार्टर, उसमें भी क्वार्टर लेते हैं 5% पर क्वार्टर, तो वहां पे भी कैलेंडर क्वार्टर लेना है। सिंपल वर्ड में बेटा ओके
इस एक्ट में जहां पे भी मैंने क्वार्टर के बेस पे यहां कैलकुलेशन किए हैं, तो क्वार्टर के बेस पे जो कैलकुलेशन किए इसमें आपको इनवॉइस की डेट से क्वार्टर नहीं लेना है, आपको कैलेंडर क्वार्टर लेना है। ओके, और वो कैलेंडर क्वार्टर के बेस पे आपको भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मैंने मेरा क्वेश्चन यार कैलेंडर क्वार्टर के बेस पे आपको सॉल्व करके दिया है, और आपके नोट्स में अगर कैलेंडर क्वार्टर नहीं लिया होगा तो आपको वो एंसर्स रिवाइज कर लेना है और कैलेंडर क्वार्टर के हिसाब से सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये एक चेंज है, बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है। ओके, तो ये चेंज जो है आपको यहां पे देखना है, अकॉर्डिंगली चेंज कर देना है। इज इट क्लियर? चलिए,